हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स आई एम अंकुश मल्होत्रा एंड यू आर विद लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस आज इस वीडियो में हम आई का लेटेस्ट स्पेसीमेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे सो एज यू नो योर एग्जाम विल बी ऑफ 40 मार्क्स एंड द टाइम अलॉट फॉर योर एग्जाम इज वन एंड हाफ आवर तो यहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में टू सेक्शंस मिलेंगे सेक्शन ए जो है वो टेन मार्क्स का है आपका और इसमें आपको एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके टेन क्वेश्चन होंगे एंड ऑल द टेन क्वेश्चन आर कंपल्सरी ये सारे आपको अटैम्प्ट करने हैं तो सेक्शन ए में आपको टेन एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे नाउ कम टू सेक्शन बी सेक्शन बी जो है वो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है ये कोई ऑब्जेक्टिव एम बेस्ड नहीं है इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा और इसमें आपको टोटल जो है फाइव क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स आउट ऑफ दीज फाइव यू हैव टू अटेम्प्ट एनी थ्री आपको कोई से भी तीन करने होंगे एग्जाम में बट हम आज जो है यहाँ पर सेक्शन बी के सारे के सारे सॉल्व करके देखेंगे ऑल द फाइव क्वेश्चन वी विल सॉल्व टूडे सो मे बी वीडियो की लेंथ जो है वो आपकी लॉन्गर हो जाए क्योंकि हम यहाँ पर जो है सारे पार्ट्स इसके सॉल्व करने वाले हैं तो हम विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन ए में सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है द पॉइंट थ्री जीरो इज इन वेरियंट का मतलब सेम अनचेंज यहां पर इन वर्ड आ रहा है तो यहां पर इन का मतलब क्या है इन वेरियंट मीन्स रिमेन सेम कोई चेंज उसमें नहीं आएगा इन का मतलब ये होता है तो एक पॉइंट दिया है आपको थ्री कॉमा जीरो ये रिफ्लेक्शन करने के बाद सेम रहेगा ऐसा वो कह रहा है तो ऐसा सिर्फ तभी संभव है जब हम यहाँ y वाली वैल्यू पे फोकस करें जो y वाली वैल्यू है ज़ीरो उसका अगर हम साइन चेंज करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा ज़ीरो जो हो, होता है वो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव थ्री का साइन चेंज करेंगे तो वो प्लस थ्री की जगह माइनस थ्री बन जाएगा तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करते हैं इफ़ वी विल रिफ्लेक्ट इन ओरिजिन तो ओरिजिन में रिफ्लेक्ट करने में क्या होता है दोनों वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं जो प्लस थ्री है वो बन जाएगा माइनस थ्री और ज़ीरो जो है ज़ीरो का साइन चेंज नहीं हुआ करता तो ज़ीरो का ज़ीरो रहेगा एक्स एक्सिस की बात करें तो जब हम किसी पॉइंट को यहाँ पर गिवन पॉइंट क्या है थ्री जीरो अगर हम इस गिवन पॉइंट को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसमें वाई की वैल्यू बदलेगी तो वाई की वैल्यू आप देखेंगे वाई की वैल्यू तो यहाँ ज़ीरो लिखी हुई है तो यहाँ पर ज़ीरो को हम चेंज नहीं कर पाएंगे ज़ीरो विल रिमेन सेम इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस तो जब आप वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करोगे तो इस पॉइंट को तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस करने पे एक्स वाली वैल्यू के साइन बदल जाते हैं तो यहाँ पर एक्स वाली वैल्यू क्या था थ्री थी तो वो जो प्लस थ्री था वो बदल जाएगा वो माइनस थ्री हो जाएगा और एक्स चेंज होने के बाद वाई की वैल्यू सेम रहेगी तो आपको यहाँ क्वेश्चन में कहा था ये जो थ्री जीरो है वो इन मतलब चेंज नहीं होगा अगर हम उसे रिफ्लेक्ट करें किस में चार ऑप्शन दिए थे तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा तो आंसर हमारा चेंज हो गया तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं सेकेंड ऑप्शन देखें ये आपका ऑप्शन सेम रहा तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे पार्ट नंबर सेकंड सेकंड पार्ट में ये आपको फिगर दी हुई है आपको यहां सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपको तो बस यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है तो आपको सारे स्टेप्स सारे पार्ट्स शो करने की जरूरत नहीं है बस आप आंसर आइडेंटिफाई करें और यहां पर टिक करेंगे आप कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है तो यहाँ पर इन्होंने बोला है ए बी जो है वो डायमीटर है सर्कल की तो हम ए बी पे फोकस कर लेते हैं ये रही लाइन ए बी ये भी ए जो है ये एक डायमीटर है सी ओ बी फिफ्टी फाइव दिया था ये वाला एंगल सिक्सटी फाइव फिफ्टी फाइव है तो ये एंगल जो है पहले हम इसे देख लेते हैं ये कौन से आर्क से बन रहा है सी से बी वाला आर्क देखें ये सी बी आर्क है इस सी बी आर्क से ये एंगल जो है वो आपका सेंटर पे बन रहा है सी कॉर्नर से भी एक लाइन आई सेंटर की तरफ बी कॉर्नर से भी एक लाइन आई सेंटर की तरफ और यहां पर एंगल सेंटर के ऊपर बन गया 55 डिग्री अब इसी सेम आर्क से आप सरकमफ्रेंस पे देखें सरकम पर सी बी सी से भी एक आर्क आ रहा एक लाइन आ रही है बी से भी एक लाइन आ रही है अगर आप ध्यान से देखें तो उसी सेम आर्क से जिस आर्क से हमने अभी सेंटर पे बनाया था उसी सेम आर्क से ये वाला एंगल सरकमफ्रेंस पे बन रहा है तो एंगल जो सेंटर पे होता है वो दुगना होता है सरकमफ्रेंस वाले के सेंटर वाला एंगल ट्वाइस होता है दुगना तो जब सेंटर वाला ट्वाइस होता है तो सरकमफ्रेंस वाला क्या होगा सरकमफ्रेंस वाला तो सेंटर वाले का हाफ होगा सेंटर वाला दुगना होगा बट सरकमफ्रेंस वाला हाफ तो 55 का हाफ ले लेंगे तो 55 का हाफ़ जो हो जाता है वो हो जाता है 27.5 तो हमें यहाँ ये मिल गया 27.5। अब आपको ट्राइंगल एओसी पे फोकस करना है ट्राइंगल एओसी। ए ओ सी ट्राइंगल जो है इसमें आपकी दो साइड्स बराबर हैं कौन कौन सी ए ओ और ओ सी क्यों क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं सर्कल की अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा ये सर्कल की रेडियस हैं दोनों तो जब रेडियस हैं ये तो इनकी लेंथ आपस में क्या होगी बराबर होगी तो जब कभी भी किसी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं तो उसके सामने वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं तो ये एंगल तो हमने फाइंड कर लिया था 27.5 जो कि CO वाली लाइन के सामने आ रहा है तो AO वाली लाइन के सामने जो एक्स डला हुआ है वो भी कितना होगा वो भी 27.5 होगा क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर ए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे पार्ट नंबर थर्ड थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या दिया है एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी डाइमेंशंस 22 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शीट बनाते हैं आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है मैं सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप एग्ज़ाम में इसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको अपना टाइम सेव करना है ये एम है तो एम में आपको पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पेपर था 22 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ उसकी इलेवन है इज रोल्ड अलोंग इट्स शॉर्टर साइड ये जो छोटी वाली साइड है इलेवन इसको आपने रोल कर दिया तो जब आप इसको रोल करोगे तो ये सिलेंड्रिकल शेप का पेज बन जाएगा मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखा देता हूं किस तरह से दिखाई देगा सिलेंड्रिकल शेप का ये यह, मैंने यहां ड्रॉ करके दिखाया आपको वही पेज रेक्टेंगुलर शेप का जब हम रोल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा सिलेंड्रिकल शेप जैसा दिखाई देने लगेगा जिसमें आपकी ये जो 22 थी वो अभी भी सेम है हाइट ऑफ द सिलेंडर बनेगी 22 तो यहाँ पर सिलेंडर की हाइट हो गई 22 अब बात करें 11 की तो 11 जो है वो कहाँ से कहाँ तक गया यहाँ से स्टार्ट होके गोल गोल राउंड घूमी ये वाली चीज कौन सी वाली चीज जो 11 सेंटीमीटर दी थी और ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है सरकमफ्रेंस कहलाता है तो आप बोलेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सिलेंड्रिकल बेस जो सरकमफ्रेंस है वो आपका 11 सेंटीमीटर होगा क्योंकि जो 11 सेंटीमीटर थी वो हमने रोल करके सर्कल बनाई थी तो उसका सरकमफ्रेंस 11 हो गया सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है टू पाई आर इक्वल टू इलेवन अब आप क्या करेंगे पाई की वैल्यू यूज करें ट्वेंटी टू अपॉन सेवन इंटू आर इक्वल टू इलेवन आर की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो डिवाइड वाला सेवन मल्टीप्लाई में आ जाएगा और टू इंटू ट्वेंटी टू डिवाइड में आ जाएंगे तो इलेवन से ट्वेंटी टू टू टाइम कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा रेडियस का सेवन अपॉन फोर तो ये हमने अभी रेडियस फाइंड करी है सेवन अपॉन फोर अब क्वेश्चन में पूछा था कर्ड सरफेस एरिया बताओ सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया का सिलेंडर का फॉर्मूला होता है टू पाई आर एच टू इंटू पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉइन्ट सेवन आर की वैल्यू सेवन अपॉइंट फोर इंटू हाइट हाइट आपकी कितनी ट्वेंटी टू सेवन से सेवन कट जाएगा टू से फोर कटेगा टू टाइम फिर टू से ट्वेंटी टू कटेगा 11 टाइम अब आप इलेवन और टू की मल्टीप्लाई कर दो तो जब आप इलेवन और टू सॉरी इलेवन और ट्वेंटी टू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 242 तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर डी अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे तो फोर्थ पार्ट में आपको यहां वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल दे रखे हैं ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस तो पहला वाला x1 और y1 होगा जो कि कौन है वन और थ्री एक्स टू वाई टू दूसरा वाला होगा वो भी आपको गिवन है कौन सा टू और माइनस फोर थर्ड वाला वर्टेक्स जो है वो एक्स थ्री वाई थ्री होगा इसकी वैल्यूज़ क्या दी हैं माइनस का थ्री और वन ये तीन दिए हुए हैं और आपसे पूछा है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बताओ तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री कॉमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री ये होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो एक्स वन देखेंगे एक्स वन है वन x2 है 2 और x3 है माइनस थ्री तो 1 प्लस टू प्लस माइनस थ्री अपॉन थ्री अब y वाली वैल्यूज का यूज करेंगे 3 प्लस माइनस फोर प्लस वन अपॉन थ्री जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस वन हो जाएगा 3 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस थ्री को ऐसे ही लिखेंगे अपऑन थ्री ये थ्री और ये वन मिलकर हो जाएंगे फोर और प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस फोर अपॉन थ्री थ्री माइनस थ्री करेंगे तो ये आएगा जीरो अपॉन थ्री फोर माइनस फोर करेंगे तो ये आएगा जीरो अपॉन्ट थ्री और जीरो डिवाइड बाय थ्री क्या होता है जीरो जीरो डिवाइड बाय थ्री ये भी क्या हो जाएगा जीरो तो हमने यहाँ कॉर्डिनेट फाइंड कर लिया सैंट्रॉइड के कौन सा आ गया ऑप्शन नंबर ए तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर पार्ट नंबर फोर्थ का अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे फिफ्थ पार्ट में इन्होंने बोला है टेन थीटा मल्टीप्लाई रूट के अंदर है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो यहां पर आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो वन होता है अगर आप यहां से वन माइनस थीटा बनाना चाहें तो ये साइन थीटा को राइट right पर लाना पड़ेगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड पर क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा तो वन माइनस साइंस स्क्वायर थीटा का आंसर कौन होता है कॉसक्वायर थीटा तो आप यहाँ रूट के अंदर लिख सकते हो कॉसक्वायर थीटा अब रूट हटाने से जो है ये स्क्वायर भी हट जाएगा तो आंसर बनेगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा टेन का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन की जगह और राइट हैंड पे ये मल्टीप्लाई में क्या था कॉस थीटा ही था इसे सेम लिखें डिनोमिनेटर कॉस थीटा न्यूमरेटर कॉस थीटा कैंसिल होके आंसर बच जाएगा साइन थीटा तो फाइनली फिफ्थ पार्ट का आंसर कौन सा हो गया आंसर नंबर बी अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे सिक्स पार्ट आपको यहाँ पर बोला है द मीडियन क्लास फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज आपको यहां फाइंड करना है कि मीडियन की कौन सी क्लास होगी तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको तो n फाइंड करना पड़ेगा n एन कैसे फाइंड करते हैं फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वाली वैल्यू देखें क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली वैल्यू है वो 18 है 18 कैसा नंबर है ईवन नंबर है टू के टेबल वाला तो ईवन नंबर है तो इसमें हम मीडियन का जो है ईवन का फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन होता है एन अपॉन टू टी एच टर्न अब आपको एन की वैल्यू यूज करनी है एन की वैल्यू एटीन है तो एटीन अपॉन टू टी एच टर्न इन्हें कट करेंगे तो आपको मिल जाएगा नाइन्थ टर्म तो मीडियन फाइंड करने के लिए नाइन्थ टर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी और नाइन्थ टर्म क्या है नाइन्थ टर्म अगर आप यहाँ देखें तो नाइन्थ टर्म कैसे देखेंगे आपको क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी टू दी है तो टू का मतलब है जीरो से दो सिक्स का मतलब है टू तक ऑलरेडी लिख लिया था तो थ्री टू सिक्स इलेवन का मतलब है सिक्स तक लिख लिया था तो सेवन से स्टार्ट करके सेवन टू इलेवन इलेवन तक हो गया अब ट्वेल्व टू एटीन यहां आ गया अब इन्होंने पूछा था नाइन्थ टर्म हमने मीडियन निकाला था मीडियन क्या है नाइन्थ टर्म है तो नाइन्थ टर्म कहाँ पर आएगा इसमें नहीं आएगा नाइन्थ टर्म इसमें भी नहीं आएगा नाइन्थ टर्म सेवन से इलेवन के बीच में आएगा नाइन्थ टर्म तो नाइन्थ टर्म सेवन से इलेवन के बीच में आ रहा है तो इन्होंने पूछा क्या था मीडियन नहीं पूछा इन्होंने पूछा मीडियन की क्लास बताओ तो मीडियन की क्लास जो है सेवन से इलेवन के बीच में आता है नाइन टर्म तो मीडियन क्लास हो गई क्लास इंटरवल तो यहां पर सेवन से इलेवन के बीच में जहां नाइन टर्म आ रहा था नाइन टर्म इधर लाई कर रहा था तो इधर नाइन्थ टर्म आने का मतलब है यहां पर क्लास इंटरवल की वैल्यू क्या है इलेवन से फिफ्टीन तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे पार्ट नंबर सेवन पार्ट नंबर सेवन में आपको यहां दो इक्वेशंस दी हुई हैं तो सबसे पहले लाइन वन देख लेते हैं लाइन वन जो है वो है सेवन वाई इक्वल ए एक्स प्लस फोर सबसे पहला काम आपको वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना है इक्वेशन को यह इक्वेशन ऑफ लाइन होती है इक्वेशन ऑफ लाइन का जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है वो होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी लेकिन जो हमें इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में लाइन वन की वो y बराबर नहीं है वो तो सेवन वाई बराबर है तो आप ये सेवन जो मल्टीप्लाई में है वो आप राइट right हैंड पे लाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे हम y बराबर ए एक्स प्लस फोर डिवाइड बाई सेवन जो लेफ्ट हैंड पे सेवन मल्टीप्लाई में था वो राइट right हैंड पे डिवाइड में आ गया अब ये जो डिवाइड में सेवन आया है ये आप दोनों के नीचे लिखो कैसे लिखो दोनों के नीचे y इक्वल ए एक्स के नीचे सेपरेट लिखो सेवन प्लस फोर के नीचे सेपरेट लिखो सेवन अब यहाँ पर y बराबर एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करना है और जब आप इसको कंपेयर करोगे तो y की जगह y नज़र आएगा इक्वल की जगह इक्वल m की जगह ए अपॉन सेवन नजर आएगा और एक्स की जगह एक्स नज़र आएगा तो एम की जगह ए अपॉन सेवन आ रहा है M ये एम इज इक्वल टू ए अपॉन सेवन ये एम फर्स्ट इक्वेशन के लिए है तो हम इसे एम वन बोलेंगे एम वन क्या होता है एम क्या होता है एम मीन्स स्लोप तो यहाँ पर हमने स्लोप फर्स्ट लाइन का फाइंड कर लिया एम वन जो कि कितना है ए अपॉन सेवन अब दूसरी इक्वेशन देखेंगे दूसरी लाइन जो है लाइन टू क्वेश्चन में गिवन है टू वाई बराबर थ्री माइनस एक्स टू वाई बराबर थ्री माइनस एक्स है इसमें भी वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट बनाना है तो ये जो टू यहाँ मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में ले आएंगे फिर ये डिवाइड वाला टू आप सेपरेटली दोनों के नीचे लेंगे थ्री के नीचे भी और एक्स के नीचे भी अब फॉर्मेट होना चाहिए वाई बराबर एम एक्स प्लस सी यानी एक्स वाली वैल्यू स्टार्टिंग में होनी चाहिए और ये जो कांस्टेंट है जिसमें एक्स नहीं आ रहा ये बाद में तो हम इसे चेंज करके लिख देते हैं माइनस का एक्स अपॉइंट टू पहले लिखते हैं और प्लस का थ्री अपॉन टू ये बाद में लिखते हैं अब आप इसको कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को तो इन दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर रहे हो एम एक्स एम एक्स मीन्स एक्स के साथ वाला एम होता है एक्स के साथ मीन्स जो एक्स के साथ एम होता है वो क्या होता है स्लोप होता है तो यहाँ पर अगर आप देखें एक्स के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं डाला हुआ है तो आप नंबर क्या ले लेंगे वन ले लेंगे जब कोई नंबर गिवन नहीं होता है तो वहाँ पर हमें वन लेना होता है तो दोनों इक्वेशन को जब हमने कंपेयर करा तो वाई की जगह वाई नज़र आया एम की जगह जो आएगा नज़र वो आएगा माइनस का वन टू तो m के वैल्यू जो है वो यहाँ पर माइनस की वन अपॉइंट टू है ये सेकेंड लाइन का m आया है तो m मीन स्लोप होता है ये स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन है तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे m2 से डिनोट करेंगे अब क्वेश्चन में क्या बोला था इफ़ दीज टू लाइन्स आर पैरल क्वेश्चन में गिवन है बोथ द लाइन आर पैरल जब कभी भी दो लाइन पैरल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं तो क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि ये दोनों लाइन पैरल थी इसलिए दोनों लाइन के स्लोप को हम इक्वल लेंगे स्लोप ऑफ लाइन वन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन टू क्यों ये प्रॉपर्टी होती है जब कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं तो एल वन का स्लोप जो है वो हमने यहाँ निकाला था फर्स्ट लाइन का स्लोप ए अपॉइंट सेवन आया था सेकेंड लाइन का स्लोप यहाँ निकाला माइनस का वन अपॉन टू आया था डिवाइड वाला सेवन जब इधर लाएंगे तो ए का आंसर बन जाएगा माइनस का वन अपॉइंट टू इंटू सेवन और इन्हें सॉल्व करके आ जाएगा माइनस का सेवन अपॉइंट टू किसका आंसर ए का वो पूछ रहा था वैल्यू ऑफ ए बताओ तो वैल्यू ऑफ ए कितनी आ गई माइनस की सेवन अपॉइंट टू दैट इज़ बी ऑप्शन इज करेक्ट तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर सेवन करेंगे अब आ जाते हैं एर्थ पार्ट पे एट्थ पार्ट में क्या कहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो थ्री थर्टी सेंटीमीटर क्यूब है तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं हमें पता है थ्री थर्टी इक्वल पाई की वैल्यू पुट करेंगे पाई जो होता है ट्वेंटी टू अपॉन सेवन होता है रेडियस पता नहीं है और हाइट वो भी नहीं पता है तो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते इसमें क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है बस अब हम जो है सेवन को इधर ले आते हैं तो थ्री थर्टी मल्टीप्लाई सेवन और ट्वेंटी टू को डिवाइड में ले आते हैं तो ये आ जाएगा आंसर किसका आर स्क्वायर एच का इसको हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है इनकी वैल्यू अब आप इन्हें कट कर लें 11 के टेबल से 11 टू जा ट्वेंटी टू इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री जीरो टू से इसे भी कट कर रहे हैं फिफ्टीन टाइम फिफ्टीन सेवन जा वन हंड्रेड फाइव तो वन हंड्रेड फाइव आ गया किसका आंसर आर स्क्वायर एच का अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है द वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग द सेम रेडियस एंड सेम हाइट वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो 330 है ठीक है वो तो हमने यूज़ कर लिया अब वो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो सॉरी वॉल्यूम ऑफ कौन बताओ आपको वॉल्यूम ऑफ कौन बताना है जिसमें रेडियस सेम लेना है और हाइट भी सेम लेनी है जैसे कि सिलेंडर में थी तो सिलेंडर में रेडियस और हाइट हमने आर और एच से डिनोट कर रखा है तो कोन में भी आर और एच ही लेनी है अब वो पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होगा तो आपको वॉल्यूम ऑफ कौन का फार्मूला लगाना है वॉल्यूम ऑफ कौन का फार्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वन अपॉइंट थ्री पाई आर स्क्वायर एच ये फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का तो वन अपॉइंट थ्री इंटू पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन आर स्क्वायर एच जो है वो आंसर हमने यहाँ निकाला था अभी अभी आर स्क्वायर एच का आंसर कितना आया था 105 तो वो आर स्क्वायर एच का आंसर हम यहाँ यूज़ कर लेंगे 105 हंड्रेड सेवन से इसे कट करेंगे सेवन वन जा सेवन रिमाइंडर थ्री सेवन फाइव जा थर्टी फाइव थ्री से इसे कट करेंगे थ्री फाइव जा फिफ्टीन अब आप ट्वेंटी टू को और फाइव को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा फाइव टू या टेन फाइव टू या टेन वन वन हंड्रेड टेन वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया वन हंड्रेड टेन सेंटीमीटर क्यूब तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी अब आ जाते हैं नाइन्थ पार्ट पे नाइन पार्ट में इन्होंने ये ग्राफ बनाकर दे रखा है क्वेश्चन में बोला है इन द गिवन ग्राफ द मॉडल क्लास इज द क्लास विद फ्रीक्वेंसी यहां पर पूछ रहा है ये जो ग्राफ दिया है इसमें मॉडल क्लास जो होगी वो किस क्लास की होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी 72 है ट्वेंटी वन है फोर्टी एट है या थर्टी सिक्स है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी देखनी है फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिखी हुई है तो वाई एक्सिस पे फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी वन है सेकंड की फ्रीक्वेंसी फोर्टी एट है थर्ड की फ्रीक्वेंसी सेवेंटी टू है फोर्थ की फ्रीक्वेंसी थर्टी सिक्स है और फिफ्थ की फोर्टी एट है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं काफ़ी स्मॉल है फिगर तो आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर वो पूछ रहा है मॉडल क्लास बताओ मॉडल क्लास क्या होती है सबसे पहले आपको मोड के लिए याद रखना है मोड के लिए नंबर होता है लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी वाला मोड क्या होता है मोड होता है नंबर विद लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी वाला नंबर मोड होता है यहाँ पर आप नीचे क्लास इंटरवल मिलेगा फ्रिक्वेंसी सबसे बड़ी जो है यहाँ पर आपको 72 नज़र आएगी लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है लार्जेस्ट एफ फ्रीकुनसी सेवेंटी टू है तो मॉडल क्लास क्या होगी मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी सबसे ऊंची फ्रिक्वेंसी हो तो सबसे ऊंची फ्रिक्वेंसी ये वाली है सेवेंटी टू ये कौन से क्लास इंटरवल की है ट्वेंटी टू थर्टी क्लास इंटरवल की नीचे क्लास इंटरवल दिए हैं तो मॉडल क्लास तो ट्वेंटी टू थर्टी है अब इन्होंने ये नहीं बोला कि आप मॉडल क्लास बताओ इन्होंने ये पूछा है मॉडल क्लास जो है वो किस फ्रीक्वेंसी वाले की आएगी सेवेंटी टू फ्रिक्वेंसी वाले की मॉडल क्लास आएगी जो कि कितनी होगी ट्वेंटी टू थर्टी वाली तो मॉडल क्लास किसकी है सेवेंटी टू फ्रिक्वेंसी तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर विनिंग ए गेम इज जीरो पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बताया है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है जीरो पॉइंट फाइव सिक्स वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लॉसिंग लॉसिंग का मतलब नॉट विन हार जाना का मतलब क्या होता है नहीं जीतना आप उसे हार जाओ हार जाना बोल दो या फिर आप उसे बोल दो कि नॉट विन नहीं जीत पाना या हार जाना मीनिंग एक ही होता है तो यहां पर आपको पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग बताओ हमें फाइंड करना है नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है लॉसिंग लूजिंग का पूछा है ना कि मैच जो है गेम वो हार जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है तो हारने का मतलब नहीं जीतना तो इसलिए हम नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे अब यहाँ पर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाते हैं दीज आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है मतलब एक जीतने की बात कर रहा है तो दूसरा हारने की बात कर रहा है तो ऐसे में दोनों का सम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द इवेंट इन दोनों का जो सम होता है वो वन होता है कंप्लीमेंट्री इवेंट्स का जो सम होता है वो वन लिया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमें पता है जीरो पॉइंट फाइव सिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग हमें फाइंड करनी है इक्वल में वन लेंगे पॉइंट फाइव सिक्स आप इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग फाइंड करने के लिए वन में से माइनस करना है 0.56 को अब यहाँ डेसिमल लेके दो जीरो लगाएंगे और इन्हें माइनस करेंगे 10 माइनस सिक्स विल बी 4 इधर आ जाएगा 9 9 माइनस फाइव विल बी 4 तो पॉइंट फोर्टी आएगा आंसर तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन नंबर सी तो ये सेक्शन ए आपका ओवर हो गया तो इस तरह से आप ये सेक्शन ए को करेंगे अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर सेक्शन बी पर बी सेक्शन में आपके टोटल फाइव क्वेश्चन होंगे फाइव में से आपको थ्री करने हैं हेडिंग में सेक्शन बी के नीचे लिखा हुआ भी है अटेम्प्ट एनी थ्री तो हमें कोई से भी थ्री करने हैं बट मैं यहाँ आपको सारे सिखाऊंगा लेकिन आपको एग्ज़ाम में कोई से भी थ्री करने होंगे अब कोई से भी थ्री का मतलब ये नहीं है कि आप सेकंड क्वेश्चन में देखें कि चार पार्ट है तो इसमें से तीन करें ऐसा नहीं है आपको क्वेश्चन नंबर टू है और मैं शो कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री है क्वेश्चन नंबर फोर भी मिल जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया फाइव के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स भी मिलेगा आपको तो इन में से आपको कोई से तीन करने हैं पार्ट्स जो भी क्वेश्चन आप पिक करेंगे जो भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे उसके पार्ट में चॉइस नहीं है पार्ट तो आपको सारे करने हैं सो डोंट गेट कंफ्यूज ये सारे पार्ट्स आपको करने होंगे अगर आप क्वेश्चन नंबर टू को अटैम्प्ट करेंगे तो सारे पार्ट्स करने हैं आपने चलो तो हम क्वेश्चन टू से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टू में क्या बोला है फाइंड द रेशो आपको एक रेशो फाइंड करना है इन विच एक्स एक्सिस विल डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग एंड बी एक लाइन है ए बी एक लाइन ए बी है ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है सिक्स माइनस फोर बी के भी कोऑर्डिनेट गिवन है माइनस का थ्री एंड एट वो कह रहा है ये जो ए बी लाइन है ये डिवाइड्स हो जाएगी डिवाइड्स का मतलब बट जाएगी दो हिस्सों में किसकी वजह से एक्स एक्सिस की वजह से यहां बोला है एक्स एक्सिस जो एक्स एक्सिस होगी वो इस लाइन को दो हिस्सों में बांट देगी फर्स्ट पार्ट इधर और सेकेंड पार्ट इधर तो ये पॉइंट जहां पर ये दो हिस्सों में बटी है ए बी लाइन वो पॉइंट जो है ए बी के अंदर भी आएगा और वो पॉइंट एक्स एक्सिस के अंदर भी आएगा ऐसा क्यों आप ग्राफ पे ग्राफ होता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है कोई भी लाइन एक लाइन है ये ए बी ये ए बी लाइन में जो मैंने बनाई है यहाँ पर ए पॉइंट होगा और यहाँ पर बी पॉइंट होगा ए बी लाइन जो है दो हिस्सों में बट गई ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा क्यों बटी क्योंकि बीच में एक्स एक्सिस इस पर क्रॉस होकर गई तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको ए बी लाइन के अंदर भी नज़र आएगा और यही वाला सेम पॉइंट आपको एक्स एक्सिस के अंदर भी नज़र आएगा तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था कि लाइन ए बी जो है वो दो पार्ट्स में बटी है एक्स एक्सिस पर तो रेशो बताओ कि इस लाइन को जो हम वो एक्स एक्सिस बांट रही है वो किस रेशो में बांट रही है तो सबसे पहली चीज ये जो पॉइंट है बीच में जहाँ पर ये लाइन डिवाइड हो जाएगी टू पार्ट्स में वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे लेट एम बी द पॉइंट नाम दे देते हैं कि वो एम पॉइंट है लेट एम बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच डिवाइड द लाइन ए बी जो डिवाइड करेगा किसको डिवाइड करेगा लाइन ए बी को तो मैंने यहां मान लिया कि एम एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो ए बी लाइन को दो हिस्सों में बांट रहा है तो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ एम अभी मैंने आपको बताया कि M एक ऐसा पॉइंट है जो AB लाइन के अंदर भी आ जाएगा और x एक्सिस में भी आ जाएगा तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस में आता है तो उसमें आपको Y की वैल्यू ज़ीरो लेनी होती है तो कोऑर्डिनेट ऑफ M क्या होंगे X कॉमा ज़ीरो होंगे X की वैल्यू कुछ भी आ सकती है बट M M वाले पॉइंट में जो Y वाली वैल्यू होगी एक्स वाली वैल्यू को एप बोलते हैं वाई वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं तो ऑर्डिनेट जो है वो उसमें क्या होगा जीरो होगा अब आपको क्या करना है ऑर्डिनेट ऑफ एम का फार्मूला लगाएंगे सेक्शन फार्मूला ऑर्डिनेट ऑफ एम फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू आपने जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा वो पूरा फार्मूला होगा उसमें एक्स की भी वैल्यू होती है और वाई की भी फार्मूला होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ये फार्मूला होता है बट यहाँ पर हमें जो है रेशो फाइंड करना है तो रेशो में या तो हम एक्स वाला यूज़ करते हैं या वाई वाला यूज़ करते हैं मैंने यहाँ पर ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट मतलब वाई वाला यूज़ करा है एक्स वाला यूज़ नहीं करा वो इसलिए क्योंकि एम में जो मुझे वैल्यू पता थी वो ऑर्डिनेट वाली वैल्यू पता थी एप सीसा की वैल्यू हमें पता नहीं है यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट डला हुआ है एक्स वाला तो हमें यहाँ पर ऑर्डिनेट की वैल्यू वाई की वैल्यू बता दी जीरो है इसलिए ऑर्डिनेट का फार्मूला लगाया गया है अब आपको क्या करना है ऑर्डिनेट ऑफ एम आपको पता है तो आप ऑर्डिनेट ऑफ एम में आप वैल्यू पुट कर दोगे तो मैं यहाँ इसे रेस कर देता हूँ पूरा फार्मूला हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं है जब भी रेशो फाइंड करना होगा तो आप पहले ये देखें कि आपको एफ सीसा पता है या ऑर्डिनेट पता है जो भी चीज़ आपको पता होगी आप उसी का फार्मूला यूज़ करें तो ऑर्डिनेट ऑफ एम क्या है यहाँ पर हम देखेंगे जीरो है तो यहाँ ज़ीरो लिखें इक्वल एम वन पता नहीं है वाई टू ए के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन कहलाएंगे और बी के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू कहलाएंगे तो ये एक्स वन वाई वन है तो वाई वन की वैल्यू तो माइनस चार लेनी है और वाई टू की वैल्यू आठ लेनी है तो एम वन इंटू वाई टू की वैल्यू एट प्लस एम टू इंटू वाई वन वाई वन की वैल्यू माइनस फोर अपॉन में एम वन प्लस एम टू एम वन और एम टू रेशो का ही पार्ट होता है रेशो जो होता है वो एम वन रेशो एम टू होता है तो वो तो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में बोला था फाइंड द रेशो तो रेशो का मतलब आप एम वन रेशो एम टू फाइंड करेंगे तो एम वन और एम टू की कोई वैल्यू नहीं डलेगी वाई वन और वाई टू की वैल्यू डलेंगी अब आप ये डिवाइड वाला टर्म इधर लाएंगे तो ये इधर आके जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके ज़ीरो ही बन जाएगा और यहाँ रह जाएगा एट एम वन माइनस फोर एम टू माइनस का फोर एम टू इधर लाएंगे तो प्लस का फोर एम टू हो जाएगा और एट एम वन अब क्वेश्चन में क्या बोला था रेशो फाइंड करो तो एम वन अपॉन एम टू बनाना है तो एम वन को तो यही रहने दो ये एम टू जो यहां मल्टीप्लाई में है वो राइट right हैंड पे जब आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा तो एम वन अपॉन एम टू इक्वल एम वन के साथ एट था बट मैंने यहाँ एट अभी नहीं लिखा क्यों नहीं लिखा क्योंकि ये जो एट यहाँ मल्टीप्लाई में है वो लेफ्ट हैंड पे मैं ले जाऊँगा डिवाइड में और ये जो फोर था ये फोर यहीं रहेगा अपनी जगह पर न्यूमरेटर में इन्हें कट करेंगे फोर वन जब फोर फोर टू जब एट तो एम वन अपॉन एम टू जो बना वो वन रेशो टू बना तो क्वेश्चन में रेशो पूछा था कि कितना है रेशो तो रेशो आ गया वन इज़ टू टू तो इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट करेंगे अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे सेकेंड पार्ट में क्या बोला है थ्री रोटन एप्पल रोटन होता है खराब एप्पल थ्री खराब रोटन एप्पल्स थे एक्सीडेंटी मीन्स बाई मिस्टेक वो मिक्स हो गए ट्वेल्व गुड एप्पल्स के साथ तो टोटल एप्पल्स बैग में या बॉक्स में कितने हो गए टोटल एप्पल्स अब ये एम सी क्यू तो है नहीं तो आपको एग्जाम में सारे स्टेप्स शो करने पड़ेंगे तो आप प्रॉपर लिख के करेंगे मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर लिख के बता देता हूँ सबसे पहले हमें क्या करना है हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स वो क्या हैं वो गुड वाले भी हैं गुड एप्पल्स प्लस रोटन वाले भी हैं रोटन कितने थे रोटन थे थ्री और गुड कितने थे ट्वेल्व तो टोटल एप्पल्स कितने हो गए फिफ्टीन तो एक बॉक्स में आपने सारे एप्पल्स मिक्स कर दिए बाय मिस्टेक मिक्स हो गए ख़राब वाले भी उसमें अब उन्होंने बोला कि वन एप्पल इज़ पिक्ड आपने फिफ्टीन एप्पल में से कोई सा एक एप्पल उठाया अब जब बिना देखे आप उठाएंगे तो वो तो कोई सा भी एप्पल आ जाएगा अगर आप देख के नहीं उठाएंगे तो हा आप जो एप्पल पिक कर रहे हैं वो सही वाला भी हो सकता है और ख़राब वाला भी हो सकता है तो इन्होंने पूछा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए गुड वन तो प्रोबेबिलिटी के लिए कैपिटल पी लिखते हैं ब्रैकेट में लिखेंगे गेटिंग गुड वन तो प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ये फॉर्मूला याद रखना है फेवरेबल आउटकम वो होती हैं जो आपके फेवर में है आप क्या चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड वन आपके पास गुड वाला है तो फेवरेबल आउटकम गुड वाली है तो गुड वाले कितने एप्पल्स थे ट्वेल्व नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम बैग में सारे एप्पल्स कितने हैं बॉक्स में बॉक्स में सारे एप्पल सही वाले भी हैं और ख़राब वाले भी हैं तो टोटल मिला के कितने थे 15 तो प्रोबेबिलिटी हो गई 12 अपॉन फिफ्टीन इन्हें कट करेंगे 3 4 या 12 3 5 या 15 तो फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 अपॉन फाइव तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकेंड पार्ट का अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे थर्ड पार्ट में यहाँ पर आपको फिगर दी है इन द गिवन फिगर ए सी इज द टेंजेंट ये एक टेंजेंट है ट्राइंगल ई एफ डी ट्राइंगल है तो सबसे पहले आप इसका यूज करेंगे ट्राइंगल ई एफ डी क्वेश्चन में गिवन है कैसा ट्राइंगल है इक्वेलेट्रल ट्राइंगल देयर फोर इसके तीनों के तीनों एंगल जो है वो कितने होंगे 60-60 के होंगे क्योंकि इक्वेलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो हम यहां पर ट्राइंगल के तीनों एंगल एफ ई डी ई एफ डी और थर्ड है आपका ई डी एफ एंगल ई डी एफ ये सारे आपको 60 डिग्री के एंगल लेने हैं क्यों क्योंकि ट्राइंगल इक्वेलेटरल है और इक्वेलेटरल में तीनों के तीनों एंगल ट्राइंगल के बराबर होते हैं 60 60 डिग्री के अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है आप यहां पर देखेंगे कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है चार साइड की क्लोज फिगर तो ई एफ बी डी ये एक फोर साइड की क्लोज फिगर है तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वर्क कर लेते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसका नेम है ई एफ बी डी इसमें आप अपोजिट एंगल्स का सम 180 ले लें अपोजिट आमने सामने कौन कौन से आमने सामने के एक तो ये एंगल हो गया और इसके ठीक सामने ये वाला एंगल है इसके ठीक सामने ये एंगल आएगा तो एफ ई डी एंगल एफ ई डी प्लस एंगल एफ बी डी इनका सम 180 लेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ लिखना पड़ेगा आपको अपोजिट एंगल्स आमने सामने के एंगल्स किसके साइक्लिक सी वाई सी एल आई सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करनी है आमने सामने के एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं एफ ई डी हमें पता है सिक्सटी और बात करें एफ़ बी डी की वो हमें पता नहीं है वो हम फाइंड कर लेंगे एफ़ बी डी इक्वल वन एट्टी तो सिक्सटी जो है आपका राइट right हैंड पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस होने के बाद वन ट्वेंटी बन जाएगा एफ बी डी का आंसर तो ये तो आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया वन ट्वेंटी तो हम यहाँ फिगर में मैंशन कर देते हैं ये आ गया हमारा वन ट्वेंटी अब आपको नेक्स्ट वर्क फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना था उसे देख लेंगे बी एफ डी फाइन करना है तो हम पहले देखते हैं बी एफ डी कहाँ पर है हमारा बी B... एफ डी अच्छा ये वाला एंगल है बी एफ डी तो इसके लिए आपको क्या करना है आप यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको सबसे पहले ये आर्क पे फोकस करना है सॉरी आर्क नहीं टेंजेंट पे टेंजेंट अगर आप देखें यहाँ ये आप जो है ये वाली टेंजेंट बीसी टेंजेंट इस टेंजेंट को आप फोकस करें इस टेंजेंट पे आप देखेंगे एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है सी बी डी एंगल एंगल सी बी डी ये वाला एंगल ये किस किस के बीच में बना हुआ है ये बना हुआ है टेंजेंट के और कॉर्ड के बीच में एक तो टेंजेंट है बी सी एक टेंजेंट है क्यों क्योंकि ये सर्कल को टच करके निकल रही है आगे बी डी एक कॉर्ड है तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल है ये वाला एंगल हम पहले इसे फाइंड करते हैं सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे हम कैसे फाइंड करेंगे आप जो है यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ही प्रॉपर्टी यूज करें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी तो हमने यहाँ यूज़ कर ली थी कि आमने सामने के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है सप्लीमेंट्री होते हैं एक प्रॉपर्टी और होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक्सटीरियर एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ये हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है सॉरी मैंने यहां पर देखा नहीं है क्वेश्चन में गिवन भी है हमारे पास बाय मिस्टेक आई एड नॉट सीन दिस यहां पर लिखा है सी बी डी फोर्टी ये वैल्यू हमें पता है तो हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है हम इसे रेज कर देते हैं तो ये एंगल जो 40 है सी बी डी ये हमारे पास कौन कौन सी दो साइडों के बीच में आ रहा है आप उस पर फोकस करें एक तो टेंजेंट है सी बी और दूसरी है ये कॉर्ड सर्कल की कॉर्ड तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है एक कॉर्ड है जिसका नाम बी डी है और इसी पॉइंट पर एक टेंजेंट है तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का बना हुआ एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है कॉर्ड से सरकम पे बनने वाले एंगल के कॉर्ड बी जो थी उससे सरकम पे एक एंगल बन रहा था आप फिगर में देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा बी डी कॉर्ड से एक बी कॉर्नर से लाइन गई और एक डी कॉर्नर से लाइन गई दोनों कहाँ ज्वाइन हुई एफ पर ज्वाइन हुई तो ये वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा कौन सा एंगल सी बी डी इक्वल होगा एंगल बी एफ डी के ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल होंगे 40 डिग्री के और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट के एंगल एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल तो ये याद रखेंगे जो एंगल टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बनता है वो एंगल कॉर्ड से सरकम पे बनने वाले एंगल के भी इक्वल होता है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 40 तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर इसका आंसर आ गया हमारा 40 तो BFD जो हमें फाइंड करना था वो आ गया 40 अब गया आपका ABF A बी एफ ये वाला एंगल है ये भी कुछ उसी तरह का एंगल है जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको यहाँ पर टेंजेंट बी सी और कॉर्ड बी डी के बीच में बन रहा था एंगल उसी तरह ये वाला एंगल है अगर आप ध्यान से देखें ए बी क्या है ए बी एक टेंजेंट है एफ बी एक कॉर्ड है तो मैं यहाँ पर अलग से फिगर बनाकर दिखा देता हूँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको हमारे पास सर्कल है सर्कल में एक टेंजेंट आ रही है जिसका नाम है ए बी टेंजेंट और इसी टेंजेंट पे एक कॉर्ड भी है यहाँ सर्कल के अंदर कॉर्ड है जिसका नाम है एफ बी कॉर्ड तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल किसके इक्वल होगा इसी कॉर्ड से कौन सी कॉर्ड से एफ बी वाली कॉर्ड से जो एंगल सरकमफ्रेंस पे बनेगा तो कैसे देखेंगे आप एफ बी कॉर्ड में एफ वाले कॉर्नर से एक लाइन इधर आई और बी वाले कॉर्नर से भी एक लाइन वहीं आई दोनों आपस में कहाँ टकराई बी डी पर तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे ये होता है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट अब आपको ये फाइंड करने के लिए पहले आपको ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा जब ये आ जाएगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा तो इसे फाइंड करने के लिए एफ बी डी ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल एफ बी डी इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ले एक एंगल आपके पास एफ बी डी वाले में है पहले से ही ये हमने फाइंड करा था फर्स्ट पार्ट में कितना 40 तो यहां फिगर में डला हुआ भी है 40 और इधर वाला भी डला हुआ है ये ये कितना है है 120 और ये आपको फाइंड करना है. तो 40 प्लस 120, 40 प्लस, 120 प्लस तीसरा एंगल जो है एफ डी बी ये हमें पता नहीं है तीनों का सम क्या लेंगे 180 डिग्री कौन सी प्रॉपर्टी है ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की 120 ट्वेंटी प्लस फोर्टी करेंगे तो ये हो जाएगा 160 सिक्सटी प्लस एफ डी बी इक्वल टू वन एट्टी अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे वन सिक्सटी को इधर ले आए तो आपका आंसर एफ डी बी का आ जाएगा वन एट्टी माइनस वन सिक्सटी दैट इज ट्वेंटी तो हमने यहाँ एफ बी डी फाइन कर लिया कितना आ गया 20 डिग्री एंगल आ गया अब आप लिख दें ये जो मैंने आपको अल्टरनेट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ये है ए बी एफ एंगल ए बी एफ किसके इक्वल है एंगल एफ डी बी के और दोनों के दोनों कितने होंगे ट्वेंटी कौन सी प्रॉपर्टी से एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल यह प्रॉपर्टी लिखें और इस तरह से आप ये पार्ट नंबर थर्ड फाइट कर लेंगे ट्वेंटी डिग्री अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट पार्ट है आपका पार्ट नंबर फोर फोर्थ पार्ट में क्या कहा है ए ड्रोन कैमरा इज़ यूज टू शोट शूट एन ऑब्जेक्ट पी फ्रॉम टू डिफरेंट पोजिशन आर एंड एस यहाँ पर टू डिफरेंट पोजिशन है आर और एस इन टू पोजिशन से ड्रोन कैमरे को शूट करना है किसको? को पी को अब आगे क्या कहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पी एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रखा है ऑब्जेक्ट पी का कौन कौन से पॉइंट से एक तो एस पॉइंट से और आर पॉइंट से एस पॉइंट से तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का है आप यहाँ पर इंटीरियर ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी का यूज करें Z इंटीरियर ऑल्टरनेट होता है एंगल पैरल लाइन्स में इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी तो ये एंगल्स आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं हम इसे तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे यहाँ तो ये सिक्सटी जो है ये पूरा यहाँ पर बन जाएगा कितना 60 डिग्री इसी तरह इंटीरियर अल्टरनेट यहाँ पर भी यूज़ करा जा सकता है जेड शेप की फिगर बनेगी तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 35 है ये ये वाला हो जाएगा 35 डिग्री अब हमारे पास यहाँ दो राइट ट्राइंगल्स हैं जिनमें 90 90 डिग्री के एंगल हैं दो राइट ट्राइंगल पहला राइट ट्राइंगल कौन सा है अगर आप फिगर देखें तो एक स्मॉलर वाला राइट ट्राइंगल है जिसका नाम है आर क्यू पी यहां पर 90 है और ये एंगल जो है आर क्यू पी ट्राइंगल में 35 है दूसरा ट्राइंगल आपका लार्ज ट्राइंगल है एस क्यू पी इसमें जो एंगल है आपका वो है आपका 60 डिग्री अब क्वेश्चन में बोला था इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी फ्रॉम फ्रॉम क्यू इज 50 पी की डिस्टेंस क्यू से ये वाली डिस्टेंस कितनी दी है क्वेश्चन में दिस डिस्टेंस पी क्यू इज फिफ्टी मीटर ऐसा क्वेश्चन में गिवन है तो ये वाली पी क्यू दोनों ट्राइंगल्स में कितनी हो गई फिफ्टी मीटर आपको क्या फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस ये जो आर और एस है इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है और अगर ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो पहले आप पूरे लार्ज ट्राइंगल में जो पूरी लेंथ है एस क्यू इसको फाइंड करो और फिर नीचे वाले ट्राइंगल में जो आर क्यू है उसे फाइंड करो और फिर आर क्यू को बीच में से क्या कर दो माइनस कर दो तो ऊपर की लेंथ बच जाएगी और इन्होंने मांगा है करेक्ट टू नियरेस्ट मीटर नियरेस्ट मीटर का मतलब है आपका आंसर डेसिमल में नहीं होना चाहिए अगर डेसिमल में आ रहा है तो उसे राउंड ऑफ करके सिंपल होल नंबर में लिखो तो यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले ट्राइंगल आर क्यू पी लेंगे इन ट्राइंगल आर क्यू पी और इसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला यूज़ करें तो हम यहाँ पे इन ट्रा एंगल आर क्यू पी में टेन का फार्मूला लगाते हैं टेन थर्टी फाइव टेनजेंट वाला फार्मूला टेन थर्टी फाइव इजिकल टू पर अपॉन बेस होता है थर्टी फाइव डिग्री का जो एंगल है उसके सामने वाली साइड कौन सी होगी परपेंडिकुलर पेंडिकुलर नाइन्टी के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस और ये वाली क्या है बेस तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में क्या हो गया आर क्यू अपऑन पी क्यू आर क्यू अपॉन पी क्यू आर क्यू की वैल्यू पता नहीं है पी क्यू की वैल्यू तो पी क्यू यहाँ पर दिया है कितना फिफ्टी क्वेश्चन में गिवन था अब बात करें टेन थर्टी फाइव की तो टेन थर्टी फाइव जो होता है ये आपको एग्जाम एग्जाम में टेबल मिलेगी कॉपी बुकलेट होती है उस बुकलेट में आप ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज चेक कर सकते हो तो टेन थर्टी फाइव जो है विद द हेल्प ऑफ टेबल आप फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा जीरो पॉइंट सेवन तो जीरो पॉइंट सेवन यूज़ करेंगे अब आपको वैल्यू जो है फोर डेसिमल प्लेस तक दी हुई होती है टेबल में हमने सिर्फ वन डेसिमल प्लेस लिया है और इस फिफ्टी को यहाँ ले आएंगे तो ज़ीरो पॉइंट सेवन मल्टीप्लाई फिफ्टी इज इक्वल टू आर क्यू तो यहाँ से हम आर क्यू की लेंथ फाइंड कर लेंगे आर क्यू इज़ इक्वल टू सेवन फाइव या थर्टी फाइव और लास्ट वाली जीरो लास्ट में आ जाएगी फिर डेसिमल लगा देंगे तो ये मीटर में आ गया आर क्यू इज़ हाउ मच मीटर थर्टी फाइव तो आर क्यू की लेंथ थर्टी फाइव मीटर फाइंड कर ली अब इसी तरह आप एस क्यू की भी लेंथ फाइंड करोगे इन ट्राइंगल एस क्यू पी इन ट्राइंगल एस क्यू पी इसमें भी हम टेन का फार्मूला लगाएंगे टेन सिक्सटी इज इक्वल टू पर एस क्यू है बेस पी क्यू है फिगर में देखेंगे ये परपेंडिकुलर और ये बेस तो इन दो का यूज़ करके टेन सिक्सटी का फार्मूला लगाया टेन सिक्सटी ये आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है ये याद होनी चाहिए आपको टेन सिक्सटी का आंसर होता है रूट थ्री इक्वल टू एस क्यू एस क्यू हमें पता नहीं है पी क्यू गिवन थी फिफ्टी तो ये रूट थ्री के पास पहुँचेगा तो आंसर हो जाएगा फिफ्टी रूट थ्री इक्वल एस क्यू अब आप एस क्यू में से नीचे वाली आर क्यू को माइनस कर देंगे तो एस आर बन जाएगी तो एस आर बनाने के लिए एस क्यू में से नीचे की आर क्यू को माइनस करना है और जब आप इन्हें माइनस करेंगे एस क्यू की वैल्यू है फिफ्टी रूट थ्री माइनस आर क्यू की वैल्यू है थर्टी फाइव रूट थ्री की वैल्यू डालेंगे तो वन पॉइंट सेवन थ्री टू होगा तो फिफ्टी इंटू वन पॉइंट सेवन थ्री टू माइनस थर्टी फाइव और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 50 इन वन ये आ जाएगा नियर बाय 86.6 पॉइंट सिक्स समथिंग आएगा माइनस थर्टी फिर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके 52 मीटर आ जाएगा फाइनल आंसर आपका आंसर डेसिमल में आएगा लेकिन आप उसे राउंड ऑफ़ कर देंगे राउंड ऑफ कैसे करते हैं अगर आपका आंसर 51.5 आएगा सपोज़ तो आप ये देखेंगे है तो यहाँ पर एक वैल्यू इंक्रीज हो जाती है फाइव या फाइव से ग्रेटर भी हो सपोज फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स हो तो फाइव से ग्रेटर है तो भी आपको यहाँ पर इंक्रीज कर देना है और अगर यहाँ फाइव से छोटी आती है तो हमें इंक्रीज़ नहीं करना तो हम इसे सेम नोट करते हैं तो राउंड ऑफ कर देंगे और फाइनली आपको आंसर फिफ्टी टू मीटर मिल जाएगा तो इस तरह से आप ये फोर्थ पार्ट करेंगे अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड क्वेश्चन में आपको ये फिगर दी हुई है और इसमें कहा है इन द गिवन फिगर पी टी इज टेंजेंट ये जो पी टी है ये एक टेंजेंट है कॉर्ड बी ए है बी ए ये कॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड इसे आगे प्रोड्यूस करा और ये टेंजेंट में जाकर मीट करी पी पॉइंट पर ऐसा क्वेश्चन में बोला है ठीक है परपेंडिकुलर बी सी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड टी ए को ये जो परपेंडिकुलर बी सी है ये टी ए कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है बाइसेट का मतलब टी सी वाला पार्ट और सी ए वाला पार्ट आपस में इक्वल होंगे बाई सेट का मतलब होता है डिवाइड कर देना टू इक्वल पार्ट्स में हाफ हाफ तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट आपस में इक्वल होगा और ये क्या था ये परपेंडिकुलर था तो इधर की तरफ भी क्या होगा 90 होगा अब पी ए की लेंथ नाइन दी है तो हम लिख देते हैं पी ए इज नाइन टी बी सेवन है आपको फाइंड करना है ए बी अगर आपको ए बी फाइंड करनी है तो आप इन दो ट्राइंगल्स की हेल्प लो कौन कौन से ट्राइंगल एक तो ट्राइंगल टी सी बी एक है ट्राइंगल टी सी बी और दूसरा ट्राइंगल है सिमिलर इसी की तरह दिखने वाला ए सी बी इन दोनों ट्राइंगल में आप कॉन्ग्रेंसी प्रूव करो पहली चीज कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए दोनों में सी बी एक कॉमन साइड है तो आप लिखेंगे सी बी इज इक्वल टू सी बी दिस इज द कॉमन साइड दूसरी चीज नाइन्टी डिग्री दोनों में आ रहा है टी सी बी एंगल एंगल टी सी बी इज इक्वल टू ये वाला नाइन्टी है ए सी बी तो दोनों के दोनों नाइन्टी डिग्री के एंगल हैं तो ईच नाइन्टी तीसरी चीज टी सी साइड फर्स्ट रैंगल की और सी ए साइड सेकेंड रैंगल की ये आपस में इक्वल है क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि ये आपस में इक्वल है ये हमने खुद आइडेंटिफाई करा था क्वेश्चन में कहा था कि ये जो सी बी है ये बाइसेक्ट कर रहा है टी ए साइड को तो आप यहाँ लिखेंगे सी बी TA टी ए ऐसा क्वेश्चन में गिवन था तो यहाँ पर आपने दो तो साइड ली और एक एंगल तो बाई एस एस कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल एक तो टी सी बी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए सी बी के और जब कभी भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं तो यहां पर आप बोल सकते हो फर्स्ट वाले ट्राइंगल में ये दो ट्राइंगल थे टी सी बी और दूसरा है ए सी बी तो दोनों ट्राइंगल को जब आप फोल्ड करोगे तो टी बी वाली साइड ए बी वाली साइड के ऊपर फोल्ड होगी तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा तो आप बोल सकते हो क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है दे फोर का साइन बनाओ इसलिए हम कह सकते हैं टी बी और ए बी इक्वल इक्वल होंगे क्यों क्योंकि सी पी सी टी सी कॉरस्पिंग पार्ट्स ये रीज़न है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट का मतलब इक्वल तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के वो इक्वल होते हैं तो टी बी और ए बी दोनों आपस में बराबर बराबर हो गए टी बी पर सेवन डला हुआ है तो ए बी पर भी क्या होगा सेवन यानी दोनों की वैल्यू सेवन सेंटीमीटर हो गई तो पहला पार्ट तो ए बी आ गया कितना सेवन सेंटीमीटर अब बात करें पी टी की तो पी टी फाइन करने के लिए आपको क्या करना है सर्कल पे फोकस करना है सर्कल है सर्कल में एक टेंजेंट है जिसका नाम है पी टी टेंजेंट पी टी है और एक कॉर्ड है बी ए ये जो टेंजेंट पीटी है और ये जो कॉर्ड है बी ए ये सर्कल के बाहर जाकर आपस में मीट करती हैं पी पॉइंट पर फिगर में देखेंगे तो बी ए कॉर्ड आगे बढ़ाने के बाद सर्कल के बाहर टेंजेंट पीटी में इंटरसेक्ट करती है तो आपको लिखना है यहां ये क्या के टेंजेंट पीटी एंड कॉर्ड बी ए इंटरसेक्ट कर रही हैं टकरा रही हैं ईच अदर एक दूसरे से आउटसाइड द सर्कल सर्कल के बाहर देयरफोर इसलिए ये एक प्रॉपर्टी होती है जब कभी भी टेंजेंट और कॉर्ड आपस में इंटरसेट करती हैं सर्कल के बाहर तो आपको टेंजेंट का स्क्वायर टेंजेंट कौन थी पीटी थी तो पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए जो आउटर पार्ट है आ, बाहर वाला कॉर्ड जो थी उसको हमने आगे तक प्रोड्यूस करा था तो जो उसे प्रोड्यूस करने के बाद आउटर पार्ट बना था पी ए और इनर पार्ट जो था उसे मिलाने के बाद पूरी जो लाइन हो गई पूरी लाइन क्या हो गई पूरी लाइन हो गई पी बी इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है तो जब कभी भी एक कॉर्ड और एक टेंजेंट आपस में इंटरसेक्ट करती है सर्कल के बाहर तो आपको याद रखना है टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्ड और जो पूरी लाइन थी कॉर्ड को मिलाकर जो पी थी इनका प्रोडक्ट लेना है तो पी स्क्वायर पी तो आपको पता ही नहीं है पी तो फाइंड करना है पी स्क्वायर ऐसे ही लिखें पी ए आपको घीवन थी क्वेश्चन में नाइन पी जो है वो हम ऐड करके बना लेंगे नाइन को और सेवन को फिगर में देखेंगे पी बी पूरी लाइन है तो नाइन प्लस सेवन क्या होता है सिक्सटीन स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा किसके ऊपर नाइन इंटू सिक्सटीन पे नाइन का स्क्वायर रूट होता है थ्री सिक्सटीन का स्क्वायर रूट होता है फोर फोर इंटू थ्री हो जाएगा ट्वेल्व सेंटीमीटर तो फाइनली हमें यहाँ पर पी की वैल्यू भी मिल गई कितनी ट्वेल्व सेंटीमीटर तो इस तरह से आप ये थर्ड का फर्स्ट करेंगे अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है सेकेंड पार्ट में यहाँ पर इन्होंने बोला है हाउ मैनी राइट सर्कुलर सिलेंडर्स हाउ मैनी मीन्स कितने कितने सिलेंडर्स जिनकी रेडियस दो है रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया है रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया है टू सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है कितना थ्री सेंटीमीटर तो वो पूछ रहा है कितने सिलेंडर मेड मीन्स बन सकते हैं मेल्ट करने पर एक राइट right, सर्कुलर्स दूसरा एक और सिलेंडर है ये एक सिलेंडर है और एक और दूसरा सिलेंडर है जिसे मेल्ट करके आप ये न्यू वाले सिलेंडर बनाना चाह रहे हैं तो ये वाला फॉर न्यू सिलेंडर हम यहाँ लिखेंगे ये जो हम डायमेंशनस लिख रहे हैं रेडियस हाइट ये किसकी है न्यू सिलेंडर की है तो न्यू सिलेंडर के लिए रेडियस इतनी है हाइट इतनी है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे जब भी मेल्ट वर्ड अगर आपको नजर आए क्वेश्चन में तो मेल्ट का मतलब वॉल्यूम से होता है तो आप वॉल्यूम जरूर फाइंड करें तो न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर यहां पर हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए हम इन्हें नाम देंगे न्यू वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच पाई को पाई ही रहने दें वैल्यू भी डाल सकते हो आप ट्वेंटी टू सेवन रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो रेडियस यहाँ पर आपकी टू है तो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर एच हाइट जो है वो आपकी थ्री है तो यहाँ पर मैंने पाई के टर्म्स में आंसर निकाल दिया ट्वेल्व पाई वॉल्यूम है तो यूनिट आएगी सेंटीमीटर क्यूब मैंने पाई लिखा है कंपलसरी नहीं है आप इसमें पाई की वैल्यू पुट भी कर सकते हो ट्वेंटी टू सेवन तब भी आंसर आ जाएगा आपका तो ये आ गया न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम अब एक और सिलेंडर था जिसे हमें मेल्ट कराना था तो वो न्यू वाली तो ये बननी है अभी अभी ने इन्हें बनाया नहीं है अभी तो ये बननी है किससे बननी है एक पुरानी कौन सॉरी पुराना सिलेंडर है जिसे आपको मेल्ट करना है तो हम यहाँ पर हैडिंग डालेंगे फॉर ओल्ड सिलेंडर पुराना वाला सिलेंडर उसका डायमीटर बारह है तो रेडियस क्या होगी बारह का हाफ यानी कि सिक्स सेंटीमीटर हाइट कितनी है फिफ्टीन तो रेडियस और हाइट आ गई तो वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर बनाएंगे वॉल्यूम ऑफ सॉरी न्यू नहीं न्यू वाला तो हम बना चुके हैं ये अब ओल्ड का वर्क चल रहा है वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर फॉर्मूला वही है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच पाई को पाई ही रहने दें रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर रेडियस जो आई थी वो आई थी सिक्स तो सिक्स का स्क्वायर करेंगे थर्टी सिक्स और हाइट कितनी है फिफ्टीन अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 36 को और 15 को तो 36 सिक्स मल्टीप्लाई फिफ्टीन हो जाएगा 540 फोर्टी पाई तो हमारे पास ओल्ड सिलेंडर का वॉल्यूम भी आ गया और न्यू सिलेंडर का वॉल्यूम भी आ गया दोनों सिलेंडर्स के वॉल्यूम आ चुके हैं अब वो पूछ रहा था हाउ मैनी सिलेंडर्स कैन बी मेड कितने सिलेंडर्स बनाए जा सकते हैं जब भी हाउ मैनी पूछे कितने गिनती पूछे काउंटिंग तो आपको क्या करना है डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स पूछे थे इन्होंने तो हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ सिलेंडर्स दैट कैन बी मेड नंबर ऑफ सिलेंडर दैट कैन बी मेड जो बनाए जा सकते हैं इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओल्ड सिलेंडर तो न्यूमरेटर में लें उसको डिवाइड कर दें वॉल्यूम ऑफ न्यू वाले से ओल्ड वाले को वॉल्यूम ओल्ड वाले वॉल्यूम को न्यू वाले से डिवाइड करें ऐसा क्यों ओल्ड वाला ऊपर क्यों लिया न्यू क्यों नहीं लिया क्योंकि न्यू वाले सिलेंडर छोटे हैं कैसे पता चला छोटे हैं हमने वो पूछ रहा था ओल्ड वाले को मेल्ट करके छोटे एक नहीं बनने बहुत सारे बनने हैं अब अंडर इतना तो अंडरस्टूड है कि कभी जब हम किसी चीज़ को मेल्ट करके उसे बहुत सारे पार्ट्स में बांट देंगे बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे तो जो बहुत सारी चीज़ें बनेंगी वो बड़ी साइज़ की तो बनेंगी नहीं क्यों किसी एक चीज़ को अगर आप बहुत सारे हिस्सों में बांट दोगे तो जो सारे हिस्से बनेंगे वो बड़े तो बन नहीं सकते वो तो छोटे ही बनेंगे तो इसलिए न्यू वाले सिलेंडर जितने भी बनेंगे वो सारे स्मॉलर साइज के होंगे स्मॉलर वॉल्यूम के होंगे इसलिए स्मॉलर वाली वैल्यू कहाँ लेनी है आपने नीचे स्मॉलर uh, वाली नीचे लेनी है न्यू वाली वॉल्यूम और ओल्ड वाली कहाँ लेनी है ऊपर लेनी है अब आपको क्या करना है वैल्यू डालेंगे इसमें ओल्ड सिलेंडर का वॉल्यूम है 540 फोर्टी पाई सॉरी न्यू ओल्ड का 545 फोर्टी है सही है और न्यू का है 12 पाई ओल्ड वाली वैल्यू ऊपर न्यू वाली नीचे पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे 12 से 540 को भी कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 फोर जा फोर्टी एट ट्वेल्व फाइव या सिक्सटी तो हमारे पास यहाँ आंसर आ गया फोर्टी फाइव सिलेंडर्स तो यहाँ पर हमें पता चल गया कितने सिलेंडर्स बनेंगे नए वाले फोर्टी फाइव सिलेंडर्स बन जाएंगे नए वाले तो इस तरह से आप ये सेकेंड पार्ट कर लेंगे अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे कॉस्क्वायर ए अपन कॉसे माइनस साइने प्लस साइने अपॉन वन माइनस कॉटे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ये सारी चीज़ें एक जैसी नज़र आ रही है मैं यहाँ पर पहले तो नोट कर लेता हूँ इसे मैं यहाँ नोट कर लेते हैं वेट क्वेश्चन है कॉस क्वायरे अपॉन कॉसे माइनस साइने प्लस साइने अपॉन वन माइनस कॉटे ये सारे आपके कॉस और साइन नज़र आ रहे हैं सिर्फ इसे छोड़कर तो आपको सबसे पहले क्या करना है आप इसी को चेंज करें इसे चेंज करके लिखें ये है कॉस स्क्वायर ए अपन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस अपॉन वन माइनस कॉट ए को चेंज कर लें और इसे भी चेंज करके आप साइन और कॉस के टर्म्स में लिखें कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस ए अपॉन साइन ए अब यहाँ पर सारी की सारी चीजें साइन और कॉस के टर्म्स में है अब आपको करना क्या है यहां पर आप एल लो बाकी सारी चीज सेम लिखो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइने अपॉन फिर दोबारा अपॉन आएगा ये मेन अपॉन जो क्वेश्चन में पहले से था इसे थोड़ा लार्ज बनाएंगे और दूसरा एल वाला जो अपॉन आएगा वो स्मॉलर बनाए वन और साइन ए इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा साइन ए वन के टेबल में साइन ए कितने टाइम्स आएगा साइन ए बार साइन ए इंटू वन करेंगे न्यूमरेटर वाला वन तो साइन ए वन जा साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए के टेबल में साइन ए कितने टाइम्स आएगा वन टाइम वन इंटू कॉ से करेंगे तो आंसर आएगा कॉ से अब ये नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी तो ये साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर है तो लेफ्ट हैंड वाला सेम लिखें इसको आप सेम लिखेंगे प्लस ये ऊपर आएगा तो साइन ए इंटू साइने हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइने माइनस कौसे अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये भी चीज़ वही है ये भी चीज़ वही है बस फर्क इतना आ रहा है कि बीच में इनके साइन डिफरेंट आ रहे हैं मतलब जो कौ यहाँ प्लस का है वो वहाँ कौसे माइनस का आ रहा है जो साइने यहाँ माइनस का है वो वहाँ प्लस का है तो ऐसे में आपको क्या करना होता है आप बीच वाला साइन चेंज करके इन दोनों के साइन को चेंज कर दें इन्वर्ट कर दें उल्टा कर दें तो लेफ्ट हैंड वालों को तो ऐसे ही रहने दो प्लस को माइनस बनाकर जो डिनोमिनेटर में जिनके साइन उल्टे आ रहे थे आप उन्हें उल्टा कर लो तो साइन ए माइनस कौसे लिखा था तो आप इसे कौसे माइनस ए लिख दो यानी जो साइन प्लस का था वो अब माइनस का हो गया और जो माइनस का था वो कौ से अब प्लस का हो गया क्यों क्योंकि हमने बीच वाले साइन को चेंज कर दिया अब आप एलसीएम ले सकते हो बिल्कुल दोनों एग्जैक्टली exactly सेम आ गए तो हम कौ से माइनस साइन है लेंगे तो कौ से माइनस साइन के टेबल में कौ से माइनस साइन वन जाएगा वन इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस्क्वायर ए कौसे माइनस साइने के टेबल में कौ माइनस साइन ए वन बार आएगा वन इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब इतना करने के बाद आप पहले राइट हैंड पे देखो कि आपको राइट हैंड पे लाना क्या है साइन ए प्लस कॉसे तो साइन ए प्लस कॉसे लाने के लिए आप इसमें एलजेबरा वाला फार्मूला यूज करो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ये स्क्वायर लगे हुए हैं कॉस का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर तो एक बार प्लस करो कॉसे प्लस साइन ए और दूसरी बार माइनस करो कॉस ए माइनस ए और नीचे क्या आएगा नीचे सेम आएगा कॉस ए माइनस साइन ए अब डिनोमिनेटर का कॉस ए माइनस साइन ए न्यूमरेटर का कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा तो आपका फाइनली क्या बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए जो कि आपका इक्वल आ गया किसके राइट हैंड साइड के तो ये जो प्रूव करना था वो हमारा यहाँ आ गया अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन में आपको टेबल गिवन है और इन्होंने बोला है ग्राफ पेपर का यूज करके आपको बनाना है और इन्होंने बोला है टू सेंटीमीटर पे टेन मार्क्स लेने हैं अलोंग वन एक्सिस वन एक्सिस मतलब मार्क्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जहां पर भी आप लेंगे वहां पर टू सेंटीमीटर पर लेना है टेन मार्क्स को और दूसरी एक्सिस पर टू सेंटीमीटर पे टेन स्टूडेंट्स लेने हैं तो ग्राफ में आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा वाई एक्सिस पर रखें आप ग्राफ में वाई एक्सिस जो होगी उस पर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखें पहली चीज और दूसरी चीज एक्स एक्सिस पे आप नंबर लेंगे मार्क्स जिसकी टेबल में देखेंगे मार्क्स दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो वाई एक्सेस पे ले लिए तो मार्क्स आप एक्स एक्सिस पर ले लें अब मार्क्स जो दिए हैं वो जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी ऐसे दिए हैं और इन्होंने बोला है टू सेंटीमीटर पे लेना है अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये लिखा है टू सेंटीमीटर पे टेन मार्क टू सेंटीमीटर कैसे होता है आपके ग्राफ पेपर पे वन वन सेंटीमीटर के वन बॉक्स होंगे स्केल से आप मेजर कर सकते हैं कभी कभी आपको एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन हॉल में जो पेपर मिलता है वो टू सेंटीमीटर वाले बॉक्स का मिलता है यानी उसमें जो ईच लाइन होती है वो टू एम एम की होती है कभी कभी ग्राफ पेपर हमें वन एम एम वाला मिल जाता है कभी कभी टू एम एम वाला तो वो आप स्केल से चेक भी कर सकते हैं तो अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप स्केल की हेल्प से आप चेक कर लें इन्होंने बोला है टू सेंटीमीटर पे टेन लेने हैं तो टू सेंटीमीटर ये हो गया वन सेंटीमीटर और ये मैंने ग्राफ पेपर का यूज़ नहीं करा है मैं तो आपको यहाँ एज इट इज़ ऐसे ही बता रहा हूँ बट आप जब ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आप स्केल की हेल्प से चेक कर लें तो टू टू सेंटीमीटर पे टेन मार्क्स बोले हैं तो ये हो गया टेन फिर छोड़ के ट्वेंटी फिर छोड़ के थर्टी फिर छोड़ के फोर्टी फिर एक छोड़ के फिफ्टी ये मैंने टू टू सेंटीमीटर पे ले लिए ऐसे ही टू टू सेंटीमीटर पे यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लेने हैं और कितने स्टूडेंट्स लेने हैं वो उन्होंने बता रखा है क्वेश्चन में लिखा है क्या लिखा है टू सेंटीमीटर पे टेन स्टूडेंट्स टू सेंटीमीटर पे टेन स्टूडेंट्स लेने हैं तो एक छोड़ के टेन फिर एक छोड़ के ट्वेंटी फिर एक छोड़ के थर्टी फिर एक छोड़ के फोर्टी फिर एक छोड़ के फिफ्टी फिर एक छोड़ के सिक्सटी इस तरह से लेने हैं अब टेबल आपको गिवन है सबसे पहले तो आपको फाइंड क्या करना है ये देख लें वो कह रहा है ओजाइव बनाओ ओजाइव बनाओ और मीडियन मार्क बताओ ओजाइव बनाकर मीडियन मार्क मीडियन का सबसे पहला रूल होता है कि आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बना लें तो टेबल बनाएंगे आप एग्ज़ाम में टेबल बनाएंगे पहला कॉलम क्या होगा जो यहाँ गिवन है मार्क्स का स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर ऐसे ही बनाकर दिखा रहा हूँ फॉर्मेट बट आप एग्जाम में सही से बनाएंगे दूसरा हेडिंग आप लेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और तीसरी ओजाइव बनाने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है सी एफ तो मैं सी एफ यहीं बना देता हूँ सी एफ बनाने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहला एफ़ जो है वो सी एफ में सेम आता है जो एफ़ की फर्स्ट वैल्यू है वो सी एफ में भी रहेगी अब आपको क्या करना है अब आपको ऐड करते रहना है टेन प्लस सिक्स सिक्सटीन थर्टीन प्लस सिक्सटीन करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी नाइन फिर ट्वेंटी नाइन प्लस सेवन करेंगे तो ये हो जाएगा 36, फिर 36 सिक्स प्लस फोर करेंगे तो ये हो जाएगा 40. तो हमने यहाँ क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी तैयार कर ली अब आपको चेक भी करना होगा कि क्या आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एफ़ होगा आप इसका टोटल कर लें इसका टोटल जो आएगा वो फोर्टी आएगा अगर आपका ये फोर्टी लास्ट वाली एफ सी एफ़ की वैल्यू से मैच कर जाए आपने सी एफ़ क्या निकाला था लास्ट फोर्टी और एफ़ का टोटल भी क्या आ जाए फोर्टी अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो आपका वर्क सही है अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है एन लिखेंगे एन एन होता है इनका टोटल टोटल कितना निकाला मैंने फोर्टी निकाला अगर आप टोटल नहीं निकालेंगे तो सी एफ़ की जो लास्ट वैल्यू है आप उससे भी एन पता कर सकते हैं तो एन हो गया फोर्टी फोर्टी कैसा नंबर है ईवन तो मीडियन जो है ईवन वाला इवन का फार्मूला मीडियन एना टू होता है एनापॉन टू में फोर्टी अपॉइन टू करेंगे तो फोर्टी अपॉइन टू हो गया ट्वेंटी टर्म तो आपको ट्वेंटी ढूंढना है अब ट्वेंटी नंबर कैसे ढूंढेंगे आप ग्राफ में तो अभी तो हमने ग्राफ ही नहीं बनाया तो सबसे पहले तो हम ओजाइव बनाएं मीडियन तो पता कर लिया कि मीडियन जो है वो ट्वेंटी नंबर है अब ग्राफ कैसे बनाएंगे ओजाइव ओजाइव बनाने के लिए आपको एक तो क्लास इंटरवल में से अपर लिमिट लेनी है क्लास इंटरवल में अपर और क्यूमलेटिव को लेना है और इनको कोऑर्डिनेट के रूप में देखना है कोऑर्डिनेट के रूप में मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गए टेन एक्स पे टेन कॉमा वाई पे सिक्स तो टेन कॉमा सिक्स पहला कोऑर्डिनेट हो गया दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पर अपर लिमिट ट्वेंटी है कॉमा क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी सिक्सटीन तो ट्वेंटी कॉमा सिक्सटीन हो गया अपर लिमिट थर्टी है इसको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ लेंगे 29 के साथ तो 30 29 हो गया 40 36 हो गया और 50 के साथ अपर लिमिट 50 इसके साथ क्यूमुलेटिव 40 इन पॉइंट्स को आप प्लॉट कर लें 10 6 सिक्स पे 10 और वाई पे 6 एक्स पे 10 ये रहा वाई पे 6 इधर आ जाएगा कहीं ग्राफ पेपर पे आपको एग्जैक्टली exactly मिल जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी मैं ये रफली बना रहा हूँ तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है आंसर तो टेन कॉमा सिक्स यहाँ पर 11 लिख देंगे टेन कॉमा सिक्स दूसरी वैल्यू देखते हैं दूसरी वैल्यू है ट्वेंटी सिक्सटीन एक्स पे ट्वेंटी यहाँ है और सिक्सटीन इधर आ जाएगा तो हो गया ट्वेंटी कॉमा सिक्सटीन तीसरा देखेंगे तीसरा है थर्टी ट्वेंटी नाइन पे थर्टी वाई पे ट्वेंटी नाइन थर्टी के थोड़ा सा जस्ट नीचे ट्वेंटी नाइन मिल जाएगा तो ये हो गया थर्टी ट्वेंटी नाइन फिर लेंगे फोर्टी थर्टी सिक्स फोर्टी एक्स पे और थर्टी सिक्स ये है आपका थर्टी और ये है आपका फोर्टी थर्टी और फोर्टी के बीच में थर्टी फाइव और ये 36 थर्टी सिक्स तो ये हो गया आपका फोर्टी थर्टी सिक्स इन पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन भी करते रहेंगे फ्री हैंड से शुरुआत आप कहां से करेंगे शुरुआत ओजाइव की जो है वो फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट से होती है लोअर लिमिट क्या है जीरो तो आप जो है जीरो से स्टार्ट करेंगे जीरो यहां पर होता है तो जीरो से इस पॉइंट को जोड़ें फ्री हैंड से स्केल की हेल्प नहीं लेनी फ्री हैंड से हाथ से सीधा सीधा ज्वाइन कर लें ये सीधा ज्वाइन करें ये सीधा ज्वाइन करें ये ज्वाइन करें ऐसे ही ज्वाइन करते जाएंगे लास्ट वैल्यू 50 के साथ 40 है तो 50, 40 यहाँ आ जाएगा 50 कॉमा फोटी तो ये ओजाइव हो गया ये मैंने जॉइन कर लिया अब मीडियन का फार्मूला लगाकर हमने मीडियन पता कर लिया था कौन सा टर्म था मीडियन ट्वेंटीथ टर्म था तो मीडियन ट्वेंटी टर्म है तो आपको क्या करना है वाई एक्सिस पे ट्वेंटी देखेंगे आप वाई एक्सिस पे ट्वेंटी कहाँ पर है तो मैं यहाँ रेड कलर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ट्वेंटी ये रटी इस ट्वेंटी वाली वैल्यू से आप ग्राफ की तरफ चलें और एरो लगा दें इधर की तरफ क्योंकि हम 20 वाली वैल्यू से राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं जैसे ही ग्राफ की लाइन में ये टकराएगा वहाँ से आप नीचे मुड़ जाना और एरो लगा दो नीचे की तरफ तो आपने क्या ऑब्जर्व करा यहाँ पर जो आंसर आपका आएगा ये मैंने ग्राफ पेपर नहीं यूज़ करा तो इसलिए आंसर थोड़ा सा चेंज आ सकता है तो यहाँ पर मीडियन का आंसर आप देखेंगे 20 से ये ट्वेंटी यहाँ है और थर्टी यहाँ है तो बीच में ये जो निशान है ये किसका निशान होगा ट्वेंटी और थर्टी के बीच में ट्वेंटी फाइव आता है तो ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव के बीच वाला आंसर आएगा मीडियन में तो एग्जैक्ट आंसर जो आपका ग्राफ पेपर पर आना चाहिए वो ट्वेंटी फोर आना चाहिए अब आंसर आंसर जो है आंसर शीट से कई बार मैच भी नहीं करता है ट्वेंटी फोर की जगह ट्वेंट अप्रोक्स ये अप्रोक्स आएगा अप्रोक्स मतलब लगभग आपका आंसर ट्वेंटी फाइव भी आ सकता है आपका आंसर ट्वेंटी थ्री भी आ सकता है एक ऊपर या एक नीचे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं करता यहाँ ग्राफ के क्वेश्चन में तो आपका आंसर ट्वेंटी फोर भी आ सकता है ट्वेंटी थ्री भी आ सकता है ट्वेंटी फाइव भी आ सकता है तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फोर कर लेंगे फोर्थ पार्ट कर लेंगे अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोर में फोर्थ क्वेश्चन में।, में क्या करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर आपको इक्वेशन बनानी है किसकी परपेंडिकुलर की जो ड्रॉप मीन्स ड्रॉप का मतलब है बनाया जाएगा कहाँ से बनाया जाएगा फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एंड बी तो पहले तो फिगर समझ लो वो कहना क्या चाह रहा है वो कह रहा है एक लाइन है जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाया जाएगा कहाँ से फ्रॉम पी पॉइंट इस पी पॉइंट से पी के कॉर्डिनेटर माइनस एक दो ए के कोऑर्डिनेट है एक चार वन फोर और बी के हैं टू थ्री वो कह रहा है इस परपेंडिकुलर ये जो परपेंडिकुलर आपने बनाया है ए बी के ऊपर इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो तो इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए पहले आपको इस लाइन का स्लोप पता करना पड़ेगा जिस लाइन की इक्वेशन बनानी होती है उस लाइन का स्लोप जरूर चाहिए होता है तो अगर आपको इस परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप पता करना है तो आप पहले ए बी का स्लोप पता करो परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप तभी पता चलेगा जब हमें ए बी का स्लोप पता हो तो सबसे पहले तो आप स्लोप ऑफ ए बी बनाओगे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ़ ए बी और स्लोप का जो फार्मूला होता है वो होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ये फार्मूला यूज़ करेंगे ए और बी के कोऑर्डिनेट को यूज़ करना है ए के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन होंगे और बी के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू होंगे तो हम वैल्यू डाल देते हैं वाई टू माइनस वाई वन वाई टू है थ्री और वाई वन जो है वो है आपका फोर तो थ्री माइनस फोर अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन टू और वन को माइनस करेंगे टू माइनस वन तो फाइनली जो आएगा वो आएगा माइनस का वन अपॉन वन तो स्लोप का आंसर आ जाएगा माइनस का वन तो हमने यहाँ स्लोप फाइंड कर लिया स्लोप आ गया माइनस वन ये किसका स्लोप आया स्लोप ऑफ ए बी आया जबकि स्लोप ए बी का नहीं चाहिए हमें तो लाइन परपेंडिकुलर वाली बनानी है उसकी इक्वेशन बनानी है तो परपेंडिकुलर वाली लाइन का ही स्लोप होना चाहिए तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का एक रिलेशन होता है एक इक्वेशन होता है क्या होता है जो लाइन गिवन है आपको ए बी मल्टीप्लाई उस लाइन का स्लोप जो परपेंडिकुलर है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर इन दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस वन होता है ये प्रॉपर्टी है कि जिस लाइन के ऊपर स्लोप बनाया गया जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया गया है उसका स्लोप मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप इन दोनों लाइनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो माइनस वन होता है ए बी का स्लोप हमने फाइंड करा था माइनस वन ऊपर हमने ए बी लाइन का स्लोप माइनस वन निकाला था स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर हमें अभी तक पता नहीं है इक्वल टू में माइनस वन रखेंगे अब ये माइनस वन मल्टीप्लाई से राइट right हैंड पे डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर का कैसे आएगा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर राइट हैंड पे माइनस वन है और जो ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड पे माइनस वन था ये डिवाइड में आ जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आंसर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर का क्या आ जाएगा प्लस का वन आ जाएगा तो हमने स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर तो निकाल दिया प्लस वन तो आपको यहाँ इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज़ करना है इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन का यूज़ करना है इक्वेशन ऑफ लाइन का एक फार्मूला और होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी ये भी इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला है बट ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास c की वैल्यू हो c मीन्स y इंटरसेप्ट तो हमारे पास यहाँ y इंटरसेप्ट की वैल्यू है ही नहीं तो इसलिए हम इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फार्मूला ना यूज़ करके ये वाला यूज़ करेंगे जिसमें y1 और x1 जो है पासिंग पॉइंट होते हैं तो पासिंग पॉइंट यहाँ पर परपेंडिकुलर कहाँ से पास हो रही है वो देख लें फिगर मैंने आपको बनाकर दिखाई थी ये लाइन परपेंडिकुलर वाली लाइन है तो ये कौन से पॉइंट से पास होकर जा रही है पी वाले पॉइंट से पास हो रही है पी के कोऑर्डिनेट क्या है माइनस का वन और टू तो पासिंग पॉइंट यहाँ पर क्या लेना है माइनस का वन लेना है और टू लेना है तो एक्स वन और वाई वन में क्या डलना है एक्स वन में डलेगा माइनस का वन वाई वन में क्या डलेगा टू तो वाई माइनस वाई वन में ये वाई की वैल्यू डली इक्वल टू एम एम मीन्स स्लोप मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन में मैंने आपको स्लोप बताया था स्लोप किससे डिनोट होता है एम से डिनोट होता है तो एम जो है वो स्लोप है तो इस परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप हमने यहाँ बनाया था वन तो यहाँ पर एम की वैल्यू वन डल जाएगी ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन जो है वो ये पासिंग पॉइंट की वैल्यू ली जाएगी पासिंग पॉइंट की एक्स की वैल्यू क्या है माइनस वन तो एक माइनस और आ रहा है तो ब्रैकेट लेनी पड़ेगी और ये बड़ी ब्रैकेट बना दें तो y माइनस टू इक्वल टू वन ब्रैकेट x माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस वन की मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो यही आएगा तो y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वन तो यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनी वो क्या बन गई y ये x इधर आके माइनस का x माइनस का टू उधर पहुँचा दें तो प्लस का टू हो जाएगा वन प्लस टू तो y माइनस एक्स बराबर थ्री तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के सेकंड पार्ट पे सेकंड पार्ट में क्या बोला है इन्होंने फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको यहाँ मीन फाइंड करना है मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर सेकेंड पार्ट में सबसे पहले आपको टेबल ड्रा करनी है क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी दिया है तो हम यहाँ एक टेबल ड्रॉ करेंगे टेबल में आपको जो जो हैडिंग लेनी है वो कौन कौन सी हेडिंग है एक तो क्लास इंटरवल की है तो क्लास इंटरवल भी लेंगे आप दूसरी दूसरी वैल्यू जो है आपको फ्रीक्वेंसी की है तो फ्रीक्वेंसी भी लेंगे आप तो क्लास इंटरवल के आप सबसे पहले तो इसके बाद आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स क्या होता है मिड वैल्यू जैसे क्लास इंटरवल आपको ट्वेंटी टू फोर्टी दिया है तो 20 टू 40 की मिड वैल्यू फाइंड करेंगे आप x की वैल्यू x होता है क्लास मार्क इसे आप क्लास मार्क भी बोलते हैं क्लास इंटरवल के बाद क्लास मार्क फाइंड करेंगे जो कि मिड वैल्यू होती है कैसे फाइंड करेंगे इन दोनों को ऐड करें 20 प्लस फोर्टी ट्वेंटी प्लस फोर्टी और डिवाइड बाय 2 कर दें तो 20 प्लस फोर्टी कितना होता है 60 और 60 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा 60 डिवाइड बाय 2 विल बी 30 तो यहां पर हम लिख देंगे 30 इसी तरह दूसरे क्लास इंटरवल की करेंगे दूसरा क्लास इंटरवल है 40 टू 60, 40 प्लस 60 करेंगे तो 100 होगा 100 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा नेक्स्ट है 60 टू 80। अब इसमें भी ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं वरना एक शॉर्टकट तरीका है जब आप दो वैल्यूज फाइंड कर लो तो इनमें डिफरेंस देख लो कितने का डिफरेंस आ रहा है पहले था थर्टी थर्टी में ट्वेंटी ऐड हो गया तो क्या बन गया फिफ्टी अब फिफ्टी में दोबारा ट्वेंटी ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा 70 फिर 70 में दोबारा ट्वेंटी ऐड कर लो तो क्या बन जाएगा नाइन्टी तो इस तरह से आप शॉर्टकट वे में भी कर सकते हो पहला क्लास इंटरवल ट्वेंटी टू फोर्टी फोर्टी टू सिक्सटी सिक्सटी टू एट्टी और अगला वाला था एट्टी टू हंड्रेड तो क्लास इंटरवल के हेल्प से हमने यहाँ क्लास मार्क फाइंड कर लिए हैं अब फ्रीक्वेंसी की बारी है फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ है फोर सेवन सिक्स थ्री आफ्टर फ्रीक्वेंसी आपको एफ एक्स फाइंड करना है एफ एक्स यानी प्रोडक्ट ऑफ f एंड x वैल्यू प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी इंटू फोर करेंगे तो ये हो जाएगा वन ट्वेंटी फिफ्टी इंटू सेवन करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री फिफ्टी सेवेंटी इंटू सिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा फोर ट्वेंटी नाइन्टी इंटू थ्री करेंगे तो ये हो जाएगा टू सेवेंटी तो हमने यहाँ एफ एक्स भी फाइंड कर लिया है अब इस टेबल को हम यहाँ क्लोज कर देंगे क्लोज करने के बाद हमें सम फाइंड करना है कौन कौन सी वैल्यूज़ का सम एक तो एफ एक्स वाली वैल्यूज का सम करेंगे और दूसरा f वाली वैल्यूज का सम करेंगे तो जब आप f वाली वैल्यूज़ का सम करोगे तो उनका टोटल आ जाएगा आपका 20। इसी तरह एफ एक्स वाली वैल्यूज का सम फाइंड करोगे टोटल फाइंड करोगे तो ये आएगा वन थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी अब आपको फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में क्वेश्चन में बोला था कि आपको मीन फाइंड करना है तो मीन का जो फार्मूला होता है मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ ये सम होता है ई e जैसा सिंबल बनाते हैं सम इसको हम सम बोलते हैं सम ऑफ एफ एक्स तो एफ एक्स वाली वैल्यूज़ का सम हमने फाइंड कर लिया है वन वन सिक्स जीरो न्यूमनेटर में लेंगे सम ऑफ एफ़ एफ़ वाली वैल्यूज का सम भी फाइंड कर लिया है ट्वेंटी ये हम डिनोमिनेटर में लेंगे इन्हें कैंसिल करेंगे जीरो से ज़ीरो को टू से वन हंड्रेड सिक्सटीन कैंसिल करेंगे तो टू फाइव या टेन टू एट या सिक्सटीन तो फाइनली हमें जो मीन का आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा फिफ्टी एट तो इस तरह से आप ये सेकेंड पार्ट करेंगे अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे थर्ड पार्ट में यहाँ पर फिगर दी हुई है आपको और क्वेश्चन में बोला है ए सॉलिड पीस ऑफ वुडन कोन ये वुडन कोन है सॉलिड है सॉलिड का मतलब होता है ये ठोस है ठोस मीन्स इसके अंदर पूरा वुड भरा हुआ है ये वुड की बनी हुई है अंदर से हॉलो नहीं है सॉलिड का मतलब ये हॉलो नहीं है ये अंदर से पूरी वुड की बनी हुई है इसकी रेडियस दी है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कोन के लिए फॉर कोन कौन वाले पार्ट के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपको क्या क्या गिवन है एक तो रेडियस गिवन है कौन वाले पार्ट के लिए तो हम यहाँ लिख देंगे फॉर कौन रेडियस गिवन है कितनी रेडियस गिवन है रेडियस है आपकी रेडियस ओ पी सेवन तो हमें यहाँ आर की वैल्यू गिवन है साथ ही साथ हाइट भी दी हुई है हाइट है ट्वेल्व सेंटीमीटर तो इन दोनों की मदद से हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कौन फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन और कौन किसकी बनी हुई थी वुड की बनी हुई थी तो आप ऐसा समझ लें कि आप जो ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड भी फाइंड कर रहे हैं एक तरीके से जो वॉल्यूम ऑफ़ कौन है वो क्या है एक तरीके से टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड तो कोन जो है वुड की बनी हुई थी इसलिए जो कोन का वॉल्यूम होगा वही उसमें वुड का वॉल्यूम भी होगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वन पॉइंट थ्री पाई आर स्क्वायर एच जिसमें आप वैल्यूज पुट करोगे वन पॉइंट थ्री इंटू पाई ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन होता है रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो सेवन इंटू सेवन लेना पड़ेगा हाइट लेंगे ट्वेल्व सेवन से सेवन कट जाएगा थ्री से ट्वेल्व कट जाएगा थ्री फोर या ट्वेल्व अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे किन किन की मल्टीप्लाई करनी है एक तो ट्वेंटी टू की करनी है और सेवन की और फोर की सेवन फोर जा होता है ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी एट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन तो हमने यहाँ पर कौन का वॉल्यूम फाइंड कर लिया सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन सेंटीमीटर क्यूब अब क्वेश्चन में क्या बोला है इस सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ कौन इन्होंने बोला है एक सिलेंडर है तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे फॉर सिलेंडर इसकी जो रेडियस और हाइट है वो किसके इक्वल है इज इक्वल टू हाफ ऑफ दैट ऑफ कौन जो चीजें कौन में थी उनकी हाफ है यानी रेडियस कौन में सेवन थी तो सेवन का हाफ रेडियस हो गया थ्री पॉइंट फाइव या आप इसे थ्री पॉइंट फाइव ना लेकर के सेवन अपॉइंट टू भी ले सकते हो सेवन का हाफ मीन्स सेवन अपॉइंट टू हाइट जो थी वो ट्वेल्व थी कौन में तो यहाँ पर हाइट जो होगी सिलेंडर की वो हाफ होगी ट्वेल्व का हाफ हो गया सिक्स तो ये हमें कौन सॉरी सिलेंडर के लिए रेडियस और हाइट पता चल गई है अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर का क्या वॉल्यूम है तो सिलेंडर का वॉल्यूम अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था एक सिलेंडर जिसकी हाइट और रेडियस हाफ हाफ थी कोन के वो ड्रिल्ड आउट ड्रिल्ड आउट मतलब ये सिलेंडर वाला पार्ट हमने बाहर निकाल दिया वी आर टेकन आउट ये वाला पार्ट हमने बाहर निकाल दिया है तो वुड कहाँ रह जाती है वुड रह जाती है बचे हुए पार्ट में ये जो रिमेनिंग पार्ट दिखाई दे रहा है ये सारा अब वुड है और बीच का जो सिलेंडर था वो वुड वाला पार्ट हमने बाहर निकाल दिया है तो ये पूछ रहा है रिमेनिंग वुड बताओ इसमें कितना वॉल्यूम वुड का रह रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा टोटल कोन के वॉल्यूम में से सिलेंडर जो हमने बाहर निकाला था ड्रिल्ड आउट करा था उसको हम माइनस कर देंगे तो पहले हमें माइनस करने के लिए दोनों के वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ कोन तो हमने निकाल दिया अब हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई पाईआर स्क्वायर एच पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन आर का स्क्वायर रेडियस जो है थ्री पॉइंट फाइव है या आप डेसिमल में अगर नहीं लेना चाहते तो सेवन अपॉइंट टू भी ले सकते हो तो सेवन अपॉइंट टू इंटू सेवन अपॉइंट टू रेडियस का स्क्वायर हो गया ये इंटू एच हाइट हो गई सिक्स सेवन से सेवन कैंसिल हो जाएगा टू से ट्वेंटी टू इलेवन बार कैंसिल होगा टू से सिक्स थ्री बार कैंसिल हो जाएगा अब आप क्या करेंगे इलेवन और सेवन इंटू थ्री करेंगे तो सेवन इंटू थ्री हो जाएगा ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन इंटू इलेवन कर लेंगे तो ट्वेंटी वन इंटू इलेवन हो जाएगा टू थर्टी वन तो हमारे पास यहाँ वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का टू थर्टी वन सेंटीमीटर क्यूब अब ये जो सिलेंडर था ये हमने इस कोन में से क्या करा था ड्रिल्ड आउट ड्रिल्ड आउट मीन्स बाहर निकाल दिया था तो वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट फाइंड करना है क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पीस ऑफ वुड तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड आपको बची हुई वुड का वॉल्यूम बताना है तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड कैसे निकालेंगे कौन में से जो कौन का वॉल्यूम था उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को तो वॉल्यूम ऑफ कौन हमने निकाला था 616 माइनस सिलेंडर का कौन सिलेंडर uh, का जो वॉल्यूम है वो 231 है तो अब आप यहाँ 231 और 616 को माइनस करेंगे तो आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा थ्री हंड्रेड एट्टी फाइव इन्हें माइनस करके आ जाएगा आपका आंसर थ्री हंड्रेड एट्टी फाइव सेंटीमीटर क्यूब तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर थर्ड का अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे पार्ट नंबर फोर फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या बोला है यूज़ ए ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन के लिए ग्राफ पेपर का यूज़ करना है बट मैं जो है आपको यहीं पर प्लेन वाइट शीट पर ही समझाऊंगा बट आपको ग्राफ पेपर में बनाना है अब इन्होंने बोला है टेक टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन वाई एक्सिस इन्होंने बोला है दो सेंटीमीटर पे एक यूनिट लेनी है आपने एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी तो ऐसे में आपको क्या करना है जब आप ग्राफ बनाएंगे मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा ग्राफ पेपर में आप स्केल की हेल्प से अपने बॉक्स जो आपके ग्राफ पेपर में बने हुए होंगे उन्हें मेजर करके देख लें कभी कभी आपको एग्ज़ाम शीट में वन सेंटीमीटर वाला मिल जाता है कभी कभी आपको टू सेंटीमीटर वाला बॉक्स भी मिल जाता है टू मिलीमीटर वाली लाइन होती है उसमें जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था तो आप वो मेजर करके देख लें कि आपको जो ग्राफ पेपर मिला है वो वन एम mm वाला है या टू एम एम वाला है तो यहाँ पर आपको वन वन सेंटीमीटर जो आप नॉर्मली मार्केट से परचेज़ करते हो उसमें वन एम mm वाले लाइनें होती हैं यानी वन सेंटीमीटर का वन बॉक्स होता है तो क्वेश्चन में इन्होंने बोला है दो सेंटीमीटर पे एक यूनिट लेनी है तो दो सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा इस पर एक यूनिट लेनी है एक यूनिट का मतलब यहाँ पर वन लेंगे फिर दो अगले दो सेंटीमीटर पे आप टू डालें फिर अगले दो सेंटीमीटर पर थ्री फिर नेक्स्ट टू सेंटीमीटर पर फोर फिर अगले दो सेंटीमीटर पर फाइव इसी तरह लेफ्ट हैंड पर भी डालेंगे दो सेंटीमीटर पर माइनस फिर अगले दो सेंटीमीटर पे माइनस टू फिर अगले दो सेंटीमीटर पे माइनस थ्री फिर अगले दो सेंटीमीटर पे माइनस फोर फिर अगले दो सेंटीमीटर पे माइनस फाइव इसी तरह वाई एक्सिस पे ले लेंगे वन एक एक छोड़कर टू थ्री फोर नीचे भी लेंगे नीचे माइनस के होते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर अब पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे जो जो पॉइंट्स आपको यहाँ गिवन है पहला पॉइंट है ए थ्री टू एक्स पे थ्री और वाई पे टू तो एक्स एक्सिस पे थ्री और वाई एक्सिस पे टू दोनों आपस में यहाँ मिल जाएंगे ये हो गया पहला पॉइंट ए थ्री कॉमर टू नेक्स्ट है आपका बी पॉइंट एक्स पे फाइव है बट वाई में जीरो है तो एक्स पे फाइव आपको यहां मिल जाएगा और वाई जीरो का मतलब वाई नहीं है आपका तो यहीं पर हम पॉइंट को प्लॉट कर देंगे ये हो गया बी पॉइंट जिसकी वैल्यू है फाइव कॉमा जीरो अब आगे क्या दिया है इन्होंने रिफ्लेक्ट ए पॉइंट ए ऑन द वाई एक्सिस टू ए डैश वो कह रहा है एस को रिफ्लेक्ट करके ए डैश बनाओ ए क्या था ए तो आपका था थ्री टू आप इसको रिफ्लेक्ट करके ए डैश बनाओ और रिफ्लेक्ट किस में करना है वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस तो जब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक्स की वैल्यू बदल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन वाई एक्सिस तो यहां पर एक्स वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वो बन जाएगी माइनस का थ्री बट y वाली वैल्यू सेम रहेगी तो x वाली वैल्यू को हमने चेंज कर दिया तो प्लस थ्री की जगह माइनस थ्री बना दिया अब हम इसे क्वेश्चन में पूछा था राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हो गया आपका माइनस का थ्री और टू अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट भी कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे माइनस थ्री यहाँ आ जाएगा और वाई एक्सिस पे प्लस टू आपका ऊपर की तरफ आ जाएगा ये तो ये किसकी इमेज हो गई ये हो गई आपकी पॉइंट ए की इमेज जिसको हम ए डैश नेम से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू है माइनस का थ्री और आप क्वेश्चन में बोला है रिफ्लेक्ट पॉइंट बी ऑन द लाइन ए ए डैश वो कह रहा है ए ए डैश वाली लाइन पहले तो हम ए ए डैश वाली लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं ये टू से होती हुई जाएगी ये जो ए ए डैश वाली लाइन आपने बनाई है इसमें आपको रिफ्लेक्ट कराना है किसको रिफ्लेक्ट कराना है पॉइंट बी को रिफ्लेक्ट कराना है इस लाइन में तो इसका मतलब क्या होता है आपको क्वेश्चन में इन्होंने कहा है रिफ्लेक्ट करो बी वाले पॉइंट को लाइन ए ए डैश में और उसको नाम दे दो बी डैश फिर वो कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी डैश भी बताओ तो बी डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो यहाँ पर ए ए डैश वाली लाइन में अगर हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो आप यहाँ मिरर जो है वो ए ए डैश वाली लाइन है अब वो कह रहा है आप लाइन ए ए डैश में रिफ्लेक्ट करो किसको बी को तो बी वाला पॉइंट इस लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में आपको जो है करेक्शन है इसमें टाइपिंग मिस्टेक है ये ए ए डैश में रिफ्लेक्ट नहीं होगा इसको आप वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट कराओगे किस में रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट तो जब बी को वाई एक्सिस वाली लाइन में रिफ्लेक्ट कराओगे तो ये वाली लाइन आपको वाई एक्सिस नजर आ रही है तो जब हम इस बी वाले पॉइंट को वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो बी से बी डैश बनेगा बी की वैल्यू क्या थी फाइव कॉमा जीरो तो बी डैश की वैल्यू जब हम वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करते हैं तो एक्स वाला साइन बदल जाता है तो ये एक्स की वैल्यू बदल जाएगी माइनस का फाइव और जीरो हो जाएगा तो यानी ये बी था तो बी डैश क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ये है आपका बी डैश जिसकी वैल्यू है माइनस का फाइव और जीरो अब आपको पूछा गया है नेम द क्लोज फिगर ए बी डैश सॉरी ए डैश बी डैश ए एंड बी आप इन सबको ज्वाइन कर लें आपस में ये मैंने ज्वाइन कर दिया इसे भी ज्वाइन कर दिया अब ये जो क्लोज फिगर बनी है आपसे इसका नाम पूछा गया है मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कौन सी क्लोज फिगर ये क्लोज फिगर बन गई है इसका नाम पूछा गया है आपसे कि यह कैसी क्लोज फिगर है तो आपको यह क्या नज़र आएगा यह आएगा आपको नज़र ट्रेपीजियम ये हमारा क्या है ये एक ट्रेपीजियम है तो यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था इन्होंने बोला था रिफ्लेक्ट बी पार्ट में कि बी को रिफ्लेक्ट करें इन द लाइन ए ए डैश में और पॉइंट बी की जो पोजीशन है उसमें उसको हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे ए ए डैश में क्वेश्चन में ये मिस्टेक uh, थी तो आप इस क्वेश्चन को सही भी कर लें यहाँ पर मिस्टेक है ये तो यहाँ पर लाइन ए ए डैश में रिफ्लेक्ट नहीं करना है हमें इसे वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है तो बी वाले को जब हम वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये वाई एक्सिस वाली लाइन थी तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है जितनी राइट right साइड पर बी था उतनी ही इसकी इमेज लेफ्ट साइड पर बन जाएगी तो रिफ्लेक्शन इस लाइन में दिखा रहे थे तो ये मिरर का वर्क कर रहा है तो मिरर के राइट right साइड पर बी था तो इमेज जो बनेगी वो लेफ्ट साइड पर बनेगी कितने पॉइंट्स आगे था फाइव पॉइंट्स तो इमेज जो बनेगी वो फाइव पॉइंट्स लेफ्ट हैंड पर बन जाएगी तो फिगर का नाम पूछा गया था इसमें तो सी पार्ट का जो आंसर हो गया वो हो गया फिगर का नाम है ट्रेपीजियम तो आप बोल देंगे ये जो फिगर है वो कौन सी फिगर है ट्रेपीजियम फिगर है अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ फिगर दी हुई है और ये सारी टेंजेंट बनी हुई है वाई दीज ऑल आर टेंजेंट क्योंकि ये सारी सर्कल को टच करके जा रही है इसलिए ये सारी टेंजेंट्स हैं अब आप यहाँ पर आर वाली लेंथ देखें ये फोर है तो जितनी आर की लेंथ है उतनी ही लेंथ आर की भी होगी दोनों की दोनों फोर फोर सेंटीमीटर की होंगी ऐसा क्यों क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी होती है कभी भी सर्कल पे अगर हम दो टेंजेंट बनाएंगे किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाले पॉइंट से तो उन टेंजेंट्स की लेंथ जो होती है वो आपस में क्या होती है इक्वल होती है ये प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल एक सर्कल है सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट है इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये बनी और दूसरी टेंजेंट ये बनी तो इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो आपस में बराबर होगी क्योंकि प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टेंजेंट जो बनती है किसी बाहर वाले पॉइंट से वो इक्वल इन लेंथ होती है ये प्रॉपर्टी यहां यूज करनी है और इसकी मदद से हमने ये वाली लेंथ आर बी को भी क्या फाइंड कर लिया फोर फाइंड कर लिया इसी तरह सेम वे में आपको अदर साइड भी फाइंड करनी है कैसे फाइंड करेंगे ये देखें टोटल लेंथ आर क्यू आपको गिवन थी कितनी सेवन अगर मैं आर क्यू को टू पार्ट्स में ब्रेक करूं तो आर क्यू जो है पूरी लेंथ वो दो चीज़ों का सम है आर बी का और बी क्यू का तो आर क्यू को ब्रेक करके आर बी प्लस बी क्यू भी लिख सकते हैं इक्वल टू सेवन और आर बी जो है वो हमने यहाँ फाइंड करी थी फोर तो फोर प्लस बी क्यू इक्वल टू सेवन तो यहाँ से बी क्यू का आंसर सेवन माइनस फोर दैट इज थ्री आ जाएगा तो ये लेंथ आपकी कितनी आ गई थ्री अब Q एक सर्कल के बाहर वाला पॉइंट है तो Q एक एक्सटीरियर पॉइंट है और एक्सटीरियर पॉइंट से एक टेंजेंट QB बनाई और एक टेंजेंट QA बनाई तो आप बोल सकते हो QB और QA दोनों की दोनों थ्री थ्री सेंटीमीटर की होंगी क्योंकि ये थ्री है तो ये भी थ्री होगी वो इसलिए क्योंकि ये सेम प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर यूज़ करी थी वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी लिखनी है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे अब आपको पी ए फाइंड करनी है पी ए कैसे फाइंड करेंगे जैसे पी डी फाइव दी है उसी तरह पी ए भी फाइव होगी तो आप बोल दें पी डी और पी ए दोनों की दोनों फाइव सेंटीमीटर होंगी क्यों होंगी यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ भी है क्योंकि सर्कल के बाहर है पी पॉइंट और इस पी पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही हैं सर्कल पर इसलिए यह टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं इसलिए इनकी लेंथ बराबर होगी अब क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द लेंथ ऑफ पी आप पी की लेंथ बताओ तो पी क्यू की लेंथ अगर आपको बतानी है तो पी क्यू की लेंथ बताने के लिए आपको पी ए और ए क्यू को ऐड करना पड़ेगा तो पूरी लेंथ पी क्यू बन जाएगी तो पी क्यू जो है वो पी ए प्लस ए क्यू है पी ए की बात करें पी ए हमने फाइंड कर लिया था फाइव ए क्यू भी हमने फाइंड कर लिया था थ्री तो फाइव प्लस थ्री एट सेंटीमीटर तो फाइनली हमें यहाँ पर पी क्यू की लेंथ मिल गई कितनी एट सेंटीमीटर तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट करेंगे अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कोई कौश्य, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रूव है आपको प्रूव करना है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा तो आप यहां पर क्या करें एल एच एस सॉल्व करें लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड में आपको साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यह दिया है सबसे पहली चीज यहाँ पर आप न्यूमरेटर में जो है फॉर्मूला लगाएंगे फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तो वो फार्मूला यूज करें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद करना है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ये फार्मूला है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो हम यहाँ यूज करेंगे न्यूमरेटर वाले पार्ट में तो न्यूमरेटर वाले पार्ट में आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए ए वाली वैल्यू है साइन थीटा प्लस बी बी वाली वैल्यू है कॉस थीटा तो ये एक ब्रैकेट में तो ए प्लस बी लिख दिया अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरी ब्रैकेट में करना है ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी तो माइनस का ए है और बी है कॉस थीटा और साइन थीटा तो इनका प्रोडक्ट अपॉन में आपका क्या है अपॉन में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा उसको सेम लिखें अब डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और न्यूमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे सेम सेम चीज़ें हैं अब अगला बार क्या करना है साइंस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा ये एक आइडेंटिटी होती है एक फार्मूला है साइंस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा का आंसर जो होता है वो वन होता है तो हम यहाँ वन यूज करेंगे और आगे क्या हो गया माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा और यही चीज़ आपको राइट हैंड पे प्रूफ भी करनी थी तो हमारा जो प्रूफ करना था वो यहाँ सॉल्यूशन आ गया है तो इस तरह से आप ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट करेंगे अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट पार्ट पार्ट नंबर थर्ड थर्ड पार्ट में आपको ये फिगर दी है और फिगर में बोला है ओ ए इज़ इक्वल टू ओ बी यहाँ पर एक ट्राएंगल दिखाई देगा आपको ट्राइंगल ए ओ बी इस ट्राइंगल ए बी में ओ वाला एंगल आपका 90 होगा क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो ये वाला एंगल तो आपका 90 है और क्वेश्चन में गिवन है कि ओ ए और ओ बी साइड आपस में बराबर है तो आपको ए ओ इक्वल टू ओ बी गिवन है तो जब कभी ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती हैं तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं तो ए ओ के सामने एंगल ए बी ओ है एंगल ए बी ओ विल बी इक्वल टू जो एंगल ओ बी साइड के सामने है वो है ये बी ए ओ तो ये दो एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि प्रॉपर्टी होती है जो एंगल सामने आते हैं सामने मीन्स अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं ये प्रॉपर्टी यूज़ करें अब ये दोनों अगर x हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम इसमें लगाएं x प्लस एक्स प्लस नाइन्टी इज इक्वल टू तो वन एट्टी डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से तो आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे पहले तो 2x आएगा 2x एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी माइनस हो जाएगा तो फाइनली x का आंसर आपको क्या मिल जाएगा 45 तो यहाँ पर हमारा जो थीटा है वो कितना आ गया 45 डिग्री ये जो थीटा एंगल है ये आपका 45 आ गया और ये एंगल भी आपका कितना है 45 अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी फाइंड करो और थीटा भी फाइंड करो तो थीटा तो हमने निकाल दिया है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा तो आ गया आपका 45 और दूसरी चीज़ स्लोप स्लोप को m से डिनोट करते हैं तो स्लोप का फार्मूला tan थीटा लगाएं यानी कि tan 45 और tan 45 का आंसर क्या होता है वन तो यह हो गया आपका स्लोप का आंसर वन अब आपको अगला पार्ट क्या है अगला पार्ट में इन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी ए बी लाइन जो है उसकी इक्वेशन बनानी है आपने तो लाइन ए बी की इक्वेशन बनाने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन ये फार्मूला यूज़ करना है जिसमें आप एम स्लोप की वैल्यू डालोगे स्लोप आपने यहाँ फाइंड कराई है टेन फोर्टी फाइव का आंसर वन था तो स्लोप वन आ गया था तो एम की वैल्यू यहाँ वन डल जाएगी जिसमें एक्स वन और वाई वन इक्वेशन में आप पासिंग पॉइंट डालेंगे ये पी जो है पासिंग का पॉइंट का काम करेगा ए बी लाइन जो है वो पी वाले पॉइंट से पास होकर जा रही है तो एक्स वन में माइनस का थ्री डलेगा और वाई वन में फोर डलेगा तो हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे वाई माइनस X1 Y1 ये हैं आपके X1 में आपको माइनस थ्री डालना है और Y1 में आपको फोर तो Y1 में हम यहाँ फोर यूज कर लेंगे तो Y- माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एम की जगह आप स्लोप रखेंगे वन है ब्रैकेट X- माइनस एक्स वन एक्स वन में माइनस का थ्री रखेंगे तो एक माइनस पहले से ही है फॉर्मूले में और एक वैल्यू में भी आएगा माइनस तो माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वाई माइनस फोर इक्वल टू वन के मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री से करेंगे तो यही आएगा अब सारे टर्म्स हम लेफ्ट पर ले आएंगे तो ये बन जाएगी वाई माइनस एक्स माइनस फोर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई वाई माइनस एक्स माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो और सारे टर्म्स राइट पर जब ले आओगे तो ये बन जाएगी x माइनस वाई प्लस सेवन तो x माइनस वाई प्लस सेवन इक्वल टू ज़ीरो आपका आंसर ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है दोनों सही माने जाएंगे बस फर्क कितना है यहाँ पर साइन जो थे वो अब चेंज हो चुके हैं क्यों क्योंकि ये सारे टर्म्स जब हम राइट हैंड पर लाते हैं तो इनकी वैल्यूज़ जो है सेम रहती है बट साइन चेंज हो जाते हैं तो साइन चेंज कर देंगे हम और आंसर ये भी आपका माना जाएगा और ये अभी आंसर आपका सही माना जाएगा तो इस तरह से आप ये थर्ड पार्ट करेंगे अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या बोला है ये एक टेबल दी हुई है आपको और इन्होंने बोला है यूज द ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन एस्टिमेट द मोड आपको मोड फाइंड करना है और इन्होंने बोला है टू सेंटीमीटर पे टेन मार्क्स लेने हैं ऑन वन एक्सिस और टू सेंटीमीटर पे फाइव स्टूडेंट्स लेने हैं ऑन द अदर एक्सिस तो ग्राफ बनाएंगे आप नीचे हमेशा आपको डेली वेजेस क्लास इंटरवल वाली चीज लेनी है तो आप नीचे लेंगे डेली वेजेस और एरो लगाएंगे इसमें लेफ़्ट टू राइट और यहाँ पर आपको जो लेना है वो लेना है नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो दूसरी हेडिंग है वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे नंबर ऑफ़ वर्कर्स ये हम डाउन साइड से अप साइड की ओर लिखेंगे इन्होंने बोला है दो सेंटीमीटर पे दस मार्क्स लेने हैं तो नीचे वन टू दो सेंटीमीटर ये हो गया तो इस पर आपको कितने मार्क्स लेने हैं टेन मार्क्स लेने हैं ऐसा बोला है फिर एक मार्क छोड़ के ट्वेंटी फिर एक मार्क छोड़ के थर्टी फिर एक मार्क छोड़ के फोर्टी फिर एक मार्क छोड़ के फिफ्टी फिर एक मार्क छोड़ के सिक्सटी फिर एक मार्क छोड़ के सेवेंटी स्केल की हेल्प से आप मेजर करके बनाएंगे दो दो सेंटीमीटर पे टेन टेन मार्क्स लेने हैं अब एटी तक लेने थे तो अभी तो मैंने सेवेंटी तक ली हैं एटी भी ले लेते हैं ये हो गया 80 तक अब y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ वर्कर्स लिखने थे नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो है सबसे बड़ी वैल्यू 20 है और इन्होंने बोला था 2 सेंटीमीटर पे 5 लेने हैं तो 2 सेंटीमीटर पे 5 तो एक मार्क छोड़ के दूसरा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर इस पर फाइव फिर एक छोड़ के टेन फिर एक छोड़ के फिफ्टीन फिर एक छोड़ के ट्वेंटी फिर एक छोड़ के ट्वेंटी फाइव अब आगे क्या है आगे इन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि आपको मोड फाइंड करना है तो मोड के लिए सबसे पहले तो आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा तो क्लास इंटरवल देख लेते हैं थर्टी टू फोर्टी क्लास इंटरवल कहाँ मिलेगा ये वाला क्लास इंटरवल है थर्टी टू फोर्टी तो जहाँ थर्टी टू फोर्टी आ रहा है उस पर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे वैल्यू कितनी है सिक्स तो सिक्स जो है आपका फाइव और टेन के बीच में आपका आएगा सेवन पॉइंट फाइव आप ऐसा समझें जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो टू सेंटीमीटर इन्होंने बोला था टू सेंटीमीटर तो टू सेंटीमीटर का मतलब ट्वेंटी लाइन्स आ जाएंगी आपके ग्राफ पेपर पे अगर आपका छोटा वाला ग्राफ है तो उसमें टेन लाइन्स तो नीचे आएंगी और टेन लाइन ऊपर वाले बॉक्स में आएंगी तो टोटल कितनी लाइन्स हो गई ट्वेंटी लाइन्स हो गई और नंबर कितने हैं फाइव अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ज़ीरो टू फाइव है ज़ीरो टू फाइव ज़ीरो यहाँ है और फाइव यहाँ है लाइन है ट्वेंटी और नंबर है फाइव तो ट्वेंटी लाइन्स हैं और मार्क्स आ रहे हैं फाइव तो फाइव नंबर पे ट्वेंटी है तो आप ऐसा समझ लें वन नंबर पे कितनी लाइन आ जाएंगी फोर लाइन आ जाएंगी वन नंबर पे फोर लाइन फिर टू नंबर पे एट्थ वाली लाइन पर आएगा टू फिर थर्ड नंबर जो है वो ट्वेल्थ पर फिर फोर्थ नंबर जो है वो सिक्सटीन वाली लाइन पर फिर फाइव नंबर जो है वो ट्वेंटी वाली लाइन पर तो इस तरह से आपको देखना है तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए था हमें सिक्स चाहिए था तो सिक्स आपको कहाँ मिलेगा फिफ्टीन से ट्वेंटी के बीच में सिक्स मिलेगा कौन सी लाइन पर फिफ्टीन और सॉरी uh, फ़ाइव और टेन के बीच में हमें क्या चाहिए सिक्स चाहिए सिक्सटीन नहीं सिक्स चाहिए तो फाइव और टेन के बीच में सिक्स आप कैसे ढूंढेंगे तो फाइव के जस्ट अगला नंबर सिक्स होता है तो एक नंबर पे कितनी लाइन लेनी पड़ेंगी फोर लाइन्स लेनी पड़ेंगी तो आपको फोर लाइन छोड़कर, जहाँ पर आपकी फ़ोर लाइन आएंगी वहाँ तक ग्राफ पेपर पे आप देख लेंगे और थर्टी टू फोर्टी वहाँ हिस्टोग्राम ड्रा कर लेंगे तो ये कौन सी वैल्यू हो गई सिक्स वैल्यू हो गई इसी तरह फोर्टी टू फिफ्टी में ट्वेल्व लेंगे तो ट्वेल्व आपको कहाँ मिलेगा ट्वेल्व जो है वो आपको थर्ड लाइन पे मिलेगा ट्वेल्व uh, uh, ऐसा समझ लें टेन और फिफ्टीन के बीच में है ट्वेल्व टेन और फिफ्टीन के बीच में कौन सा टेन के बाद चार लाइन पे इलेवन आएगा फिर चार लाइन के बाद ट्वेल्व तो एट लाइन हो गई एट लाइन बाद जब आपको नजर आएगा तो वो ट्वेल्व आएगा एट लाइन एक नंबर के लिए चार लाइन है तो टेन के बाद इलेवन हो गया चार लाइन बाद एक नंबर फिर चार लाइन बाद दूसरा नंबर आ जाएगा जो कि ट्वेल्व हो जाएगा तो ये हो गया फोर्टी टू फिफ्टी में ट्वेल्व इसके बाद फिफ्टी टू सिक्सटी में ट्वेंटी लेना है तो फिफ्टी टू सिक्सटी में आप ट्वेंटी ऊपर तक ले जाएंगे ट्वेंटी दो तो में इजिली मिल जाएगा इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है बहुत केयरफुली ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको तो यहाँ पर हम 20 देखेंगे 20 ये आ रहा है तो यहाँ ले लेंगे हम 50 टू 60 में ये हो गया आपका 20 नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका क्लास इंटरवल 60 टू 70 में 15 तो 15 कहाँ है 15 ये रहा आपका 15 यहाँ पर आपको 15 मिल जाएगा 60 टू 70 में ये बना लिया हमने 60 टू 70 में 15 ये 15 है ये 20 है और ये आपका 12 था अगली वैल्यू देखते हैं 70 टू 80 में 9 है तो 9 जो है 10 से फोर लाइन पीछे आएगा हर एक नंबर के लिए चार लाइन है ना तो टेन से चार लाइन पीछे आपको क्या मिल जाएगा नाइन तो ये आ जाएगा यहां अब आपको मोड फाइंड करना है मोड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं जो सबसे ऊंचा ग्राफ होता है इसमें उस पर हम क्रॉस बनाते हैं बहुत ध्यान से देखेंगे क्रॉस बनाना है ये बनाया क्रॉस जो सबसे ऊंचा ग्राफ है उसका कॉर्नर लेफ्ट हैंड का कॉर्नर अगले वाले क्राफ्ट के लेफ्ट हैंड के कॉर्नर से ज्वाइन करें और अब राइट हैंड वाला कॉर्नर पिछले वाले ग्राफ के राइट हैंड कॉर्नर से ज्वाइन कर दें तो ये क्रॉस बनाने पे आप ऑब्ज़र्व करेंगे ये दोनों क्रॉस आपस में ज्वाइन करने के बाद टकरा जाएंगे इंटरसेक्ट तो नीचे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसकी होगी मोड की वैल्यू होगी तो ग्राफ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी ये जो है नियर अबाउट आपकी फिफ्टी और सिक्सटी के बीच में आ रही है तो 50 और 60 के बीच में आपका आंसर हो जाएगा मोड का तो मोड का आंसर जब आप ग्राफ पेपर पे देखोगे तो वो 56 और 57 के अराउंड आएगा अप्रॉक्स तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फोर्थ अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स क्वेश्चन में क्या कहा है ए बॉक्स कंटेंट टोकन नंबर फाइव टू सिक्सटीन एक बॉक्स में टोकस रखे हुए हैं जिन पे नंबरिंग डली हुई है कितनी फाइव से लेकर सिक्सटीन तक तो फाइव से लेकर सिक्सटीन तक कितने नंबर हो जाएंगे अगर आप काउंट करोगे हर टोकन को तो टोटल नंबर ऑफ टोकन जो हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ टोकन्स फाइव से लेकर सिक्सटीन तक तो फाइव से लेकर सिक्सटीन तक आपके ट्वेल्व टोकनस हो जाएंगे अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन जिन पे ये नंबर डले हुए हैं उन्हें अगर हम काउंट करेंगे तो वो बारह चीज़ें आएंगी तो बारह टोकन्स हो गए तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम जो हो गई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ट्वेल्व हो गई आपकी अब आगे क्या बोला है फ्रॉम ए टोकन ड्रॉन एट रैंडम कोई सा एक टोकन बिना दे के उठा लिया हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टोकन ड्रॉन बियर ए नंबर डिविजल बाय फाइव आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग ए नंबर डिविजल बाय फाइव प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमने टोकन उठाया है उस पर नंबर जो आए वो डिविजिबल बाय फाइव वाला आए तो फाइव वाले कितने नंबर्स हैं हम यहां देख लेते हैं फिफ्टीन से सिक्सटीन में एक तो फाइव होगा एक टेन नंबर वाला टोकन होगा और एक फिफ्टीन नंबर वाला टोकन होगा तो टोटल कितने हो गए थ्री तो नंबर फार्मूला क्या होता है फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हैं यहाँ नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का तो फेवरेबल आउटकम कौन कौन सी है? हम हैं हम चाह रहे हैं कि डिविजिबल बाय फाइव वाला है तो ऐसे तो सिर्फ तीन ही टोकन है जिन पे फाइव के टेबल वाला नंबर होगा एक फाइव और एक टेन और एक फिफ्टीन कितने में से टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं ट्वेल्व तो इन्हें कट करेंगे थ्री वन जो थ्री थ्री फोर जो ट्वेल्व तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वन अपॉन फोर हो जाएगी तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है नाइदर बाय टू नॉर बाय थ्री वो कह रहा है टोकन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उस पर नंबर डिविजिबल बाय टू और थ्री दोनों में से कोई सा भी ना हो ना इधर का मतलब ना तो टू के डिविजिबल वाला चाहिए नॉर थ्री का मतलब नॉर्थ थ्री मीन्स ना तो थ्री तो के टेबल वाला चाहिए तो हमें टू के टेबल वाले भी नहीं चाहिए और थ्री के टेबल वाले भी नहीं चाहिए तो यहाँ पर फाइव से सिक्सटीन के बीच में टू के टेबल वाले कौन कौन से आते हैं एक तो सिक्स आता है एक एट आता है एक टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन ये वो नंबर हैं जो टू के टेबल वाले हैं इनमें से हमें कोई सा भी नहीं लेना थ्री वाले भी नहीं लेने तो थ्री के टेबल वाले फ़ाइव से सिक्सटीन के बीच में कौन है थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री फाइव जा फिफ्टीन ये भी नहीं लेने तो फिर कौन से लेने हैं जो इन्हें छोड़ कर 5 फाइव से लेकर सिक्सटीन तक तो फाइव ले लेंगे एक तो इसमें फाइव नहीं है सिक्स नहीं लेना हमने क्योंकि सिक्स टू में भी आता है और थ्री में भी आता है सेवन दोनों में नहीं है तो सेवन लेंगे हम एट आ गया यहाँ पर तो एट नहीं लेना नाइन भी नहीं लेना टेन भी नहीं लेना इलेवन नहीं है इन दोनों में तो इलेवन लेंगे हम ट्वेल्व भी नहीं लेना है थर्टीन लेंगे फोर्टीन भी नहीं लेना है फिफ्टीन भी नहीं लेना है और सिक्सटीन भी नहीं लेना है तो जो टू और थ्री के टेबल वाले थे वो तो हमें लेने नहीं तो बचे कौन से ये चार ऑप्शन बचे तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगी सेकेंड पार्ट के लिए फोर और ऑल पॉसिबल आउटकम है ट्वेल्व तो इन्हें जब आप कट करेंगे तो फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा वन अपॉन थ्री तो इस तरह से आप ये फर्स्ट पार्ट करेंगे अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है एक पॉइंट पी है सॉरी पॉइंट एम जिसके कोऑर्डिनेट टू और बी हैं और वो पॉइंट एम जो है वो मिड पॉइंट है क्वेश्चन में बोला है मिड पॉइंट कौन है मिड पॉइंट एम है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं टू और बी मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू 2 टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉइंट टू और इक्वल में आपका मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है टू और बी अब ये एक्स वन एक्स टू और वाई वन वाई टू क्या होता है कोई एक लाइन है जिसका नाम पी क्यू है क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू पी क्यू एक लाइन है उसका मिड पॉइंट एम है तो पी के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं क्वेश्चन में यहाँ पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं ए और सेवन तो ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन और Q के कोऑर्डिनेट 6 5 दिए हैं ये हो जाएगा x2 y2 ये वैल्यूज़ हमें यहाँ यूज़ करनी है x1 वन प्लस एक्स टू यानी सिक्स प्लस ए अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू करेंगे तो सेवन प्लस फाइव अपॉन टू करेंगे और इक्वल में आपको जो मिड पॉइंट की वैल्यू दी थी वो यूज़ करेंगे टू और बी तो सिक्स प्लस ए तो हो नहीं सकता तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे सिक्स प्लस ए अपॉन टू सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व अपॉन टू इन्हें कट करेंगे सिक्स और इक्वल में टू और बी है तो आपको यहाँ बीच में इक्वल नजर आएगा तो लेफ्ट हैंड और राइट right हैंड को आप कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग तो जब आप दोनों साइडों को कंपेयर करोगे तो एक्स वाली वैल्यू जो है ये एक्स वाली वैल्यू वो राइट right हैंड पे एक्स वाली वैल्यू के इक्वल ली जाएगी तो राइट right हैंड पे एक्स वाली वैल्यू कौन है टू यानी सिक्स प्लस ए अपॉन टू सिक्स प्लस ए अपॉन टू इज इक्वल टू टू ले लेंगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आकर फोर बन जाएगा सिक्स प्लस ए तो फाइनली ए का आंसर हो जाएगा फोर माइनस सिक्स यानी के माइनस का टू ये तो ए आ गया इसी तरह अब हम लेफ्ट हैंड और राइट right हैंड पे वाई वाली वैल्यूज़ भी कम्पेयर करेंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली लेफ्ट हैंड पे वाई वाली वैल्यू है सिक्स और राइट right हैंड पे वाई वाली वैल्यू है बी यानी बी का आंसर क्या हो गया सिक्स हो गया तो ए और बी फाइंड करने थे इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में बोला था फाइंड ए एंड बी तो आंसर आ गया ए का माइनस टू और बी का सिक्स अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सिक्स का थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट देखें कैसे होगा तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर इन्होंने बोला है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरीजॉन्टली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एक एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है हॉरीजॉन्टली अलोंग ए स्ट्रेट लाइन तो आपको यहाँ फिगर बनानी पड़ेगी एरोप्लेन जो है वो 3000 मीटर की हाइट पे है कहाँ से 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड क्वेश्चन में यह बना है 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड तो पहले एक फिगर बनाएंगे नीचे आपका ग्राउंड है ग्राउंड से ऊपर किसी एक ए वाले पॉइंट पर यहां प्लेन उड़ रहा है ये ए ग्राउंड से कितनी ऊपर है थ्री थाउजेंड मीटर ऊंचाई प्लेन की कितनी है थ्री थाउजेंड मीटर है नीचे ग्राउंड है ऊपर प्लेन है ए वाली पोजीशन पे। अब इन्होंने बोला है प्लेन की जो स्पीड है वो वन सिक्सटी मीटर पर सेकेंड है स्पीड ऑफ प्लेन दी है स्पीड ऑफ प्लेन कितनी गिवन है आपको 160 मीटर पर सेकेंड फाइंड द टाइम इट विल टेक फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्लेन एज सीन फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द ग्राउंड टू चेंज फ्रॉम 60 टू 45 आपको बताना है कितना समय लगेगा एंगल ऑफ एलिवेशन को बदलने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन इस प्लेन का कहाँ से फ्रॉम ए पॉइंट कोई सभी एक पॉइंट ग्राउंड पर ले लेते हैं सी तो सी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन प्लेन का जो था वो कितना था 60 था एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था और 60 से बदल कर कितना होना चाहिए 45 तो 45 होने का मतलब है आप जो है प्लेन इधर की तरफ आ रहा है आपका ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ प्लेन इधर की तरफ आ रहा है ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हम ऑब्ज़र्व तो सी से ही कर रहे हैं सी वाली पोजीशन पे कौन है ऑब्जर्वर ऑब्ज़र्वर का मतलब कोई एक मैन है यहाँ कौन सी पोजीशन पे सी वाली पोजीशन पे मैन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है प्लेन उड़ रहा है स्काई में और वो प्लेन जो है मूव करते करते आपके प्ले आप जो ऑब्जर्वर था उसकी तरफ आ रहा था तो पहले जो प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 था अब वो कह रहा है इसी पोजीशन पे प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चाहिए 45 60 से 45 एंगल ऑफ एलिवेशन घट रहा है तो घटेगा तब जब प्लेन दूर जाएगा तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ प्लेन की पोजिशन जो है वो प्लेन किधर की तरफ जा रहा है आगे की तरफ जा रहा है राइट साइड की तरफ तो ए से हट के वो आगे बढ़ चला गया कुछ टाइम बाद प्लेन स्काई में उड़ रहा था फ्लाई कर रहा था तो 60 से बदल के उसका एंगल बी ए बी सी तो हम ले चुके हैं यहाँ डी पोजीशन ले लेते हैं तो डी पोजीशन पे जो इस प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 से घटकर कितना हो गया 45। आपको यहाँ फिगर में भी ऑब्जर्व हो जाएगा कि ये एंगल बड़ा है जो कि 60 लेंगे और ये एंगल छोटा है जो कि 45 लेंगे तो प्लेन जो है ए पोजीशन पे पहले था इनिशियल पोजिशन ऑफ प्लेन क्या हो गई यहाँ लिख देते हैं इनिशियल पोजिशन ऑफ प्लेन इज़ ए इनिशियल पोजीशन प्लेन की ए थी और वो कितनी स्पीड से 160 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता चलता डी वाली पोजीशन पर पहुंच गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से बदलकर कितना हो गया 45 लेकिन हाइट ऑफ प्लेन वही है जो पहले थी ग्राउंड से कितना ऊंचा है यहाँ ई ले, ले लेते हैं तो ग्राउंड से ऊंचाई उसकी चेंज नहीं हुई है वो पहले भी 3000 मीटर थी और अभी भी 3000 मीटर ही है तो आपके पास यहाँ दो ट्राइंगल्स बन गए कौन कौन से दो ट्राइंगल एक ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल सी ए बी इन ट्राइंगल सी ए बी पहला हम ट्राइंगल लेंगे सी ए बी वाला और इसमें सी ए बी में टेन का फार्मूला लगाएं सी यहाँ है ए यहाँ है बी यहाँ है सी ए बी वाले में एंगल जो आएगा सी ए बी में वो 60 डिग्री का एंगल आएगा 90 ये है तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस एंगल ऑफ रेफरेंस जो है वो 60 है 60 के सामने परपेंडिकुलर और निचली वाली साइड बेस तो टेन सिक्सटी का फार्मूला लगाएं आप सी ए बी ट्राइंगल में तो टेन सिक्सटी का फार्मूला हो गया परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस सी बी टेन सिक्सटी जो होता है वो होता है आपका रूट थ्री टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है रूट थ्री ए बी की बात करें ए बी जो है वो हाइट ऑफ द प्लेन है कितनी ऊंचाई पर था थ्री थाउजेंड मीटर पे, तो थ्री थाउजेंड अपॉन सी बी हमें पता नहीं है तो यहाँ से हम सी बी फाइंड कर लेंगे सी बी आ जाएगा थ्री थाउजेंड अपॉन रूट थ्री तो सी बी का आंसर लिख देते हैं सी बी इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड अपॉन रूट थ्री और जब भी नीचे रूट थ्री आता है तो इसे रेशनलाइज कर लेते हैं तो ऊपर भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई नीचे भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई तो ये आंसर हो जाएगा थ्री थाउजेंड इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री करेंगे तो थ्री तो ये आ जाएगा वन थाउजेंड इंटू रूट थ्री तो ये आ गया वन थाउजेंड रूट थ्री ये कौन सा आंसर आया ये सी बी का आंसर आया सी से लेकर बी तक ये वाली वैल्यू अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल सी डी ई सी डी ई ट्राइंगल लेंगे जिसमें 45 डिग्री का एंगल है इसमें हम टेन फोर्टी फाइव लगाएंगे टेन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कौन सी होगी जो फोर्टी फाइव के सामने वाली लाइन है फोर्टी फाइव के सामने वाली लाइन ट्राइंगल में डी ई e आएगी और बेस जो आएगी वो बेस पूरी लाइन आएगी पूरी लाइन नीचे की क्या है ट्राइंगल की सी ई e. फिर आप क्या करेंगे सी ई e को ब्रेक कर देंगे दो पार्ट में तो आप यहाँ लिख सकते हो टेन फोर्टी फाइव का आंसर वन इक्वल टू डी ई की बात करें डी ई जो है वो थ्री थाउजेंड है सी ई आपको पता नहीं सी ई को आप लिख सकते हो सी बी प्लस बी ई ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो ये आ जाएगा सी बी प्लस बी ई इक्वल टू थ्री थाउजेंड एक ज़ीरो एक्स्ट्रा हो गई मैं इसे इरेज कर देता हूँ थ्री थाउजेंड अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है सी बी तो आपने फाइंड कर लिया था यहाँ सी बी का आंसर कितना आया था वन थाउजेंड रूट थ्री प्लस बी ई इक्वल टू थ्री थाउजेंड तो यहाँ से बी ई का आंसर थ्री थाउजेंड माइनस ये प्लस का वन थाउजेंड रूट थ्री इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का वन थाउजेंड रूट थ्री और वन थाउजेंड रूट थ्री जब मल्टीप्लाई करेंगे आप रूट थ्री की वैल्यू डाल दो इसमें रूट थ्री की वैल्यू होती है वन पॉइंट सेवन थ्री टू तो आप जब वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा थ्री थाउजेंड माइनस वन सेवन थ्री टू तो थ्री थाउजेंड माइनस वन सेवन थ्री टू करेंगे तो ये बन जाएगा वन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी एट मीटर तो ये माइनस करके आपका बी ई आ गई बी ई कौन सी डिस्टेंस है बी ई वो डिस्टेंस है जो प्लेन पोजीशन ए और डी के बीच में है ए, ए कौन सी पोजीशन थी प्लेन की इनिशियल पोजीशन पहले प्लेन ए वाली पोजीशन पे था वो चलता चलता उड़ता उड़ता कहां पर पहुंचा था डी वाली पोजीशन पे पहुंचा था तो ए से डी जो आने में उसे डिस्टेंस कवर करनी पड़ी थी डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस ई कह लो ई जो है मैं फिगर में हाईलाइट करके दिखा देता हूं आपको बी ई वाली डिस्टेंस किसके इक्वल होगी ए डी वाली डिस्टेंस के क्यों क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होती हैं तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं डिस्टेंस बी ई इक्वल है डिस्टेंस ए डी के तो यहाँ से ए डी का आंसर कितना आ गया वन टू सिक्स एट आ गया अब आपको पूछा गया था टाइम बताओ कितना समय लगेगा प्लेन को ए से डी आने में तो टाइम टेकन बाई प्लेन टू रीच फ्रॉम ए टू डी क्वेश्चन में पूछा था ए से डी आने में प्लेन को कितना समय लगेगा टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपऑन स्पीड डिस्टेंस हमने निकाल ही ली थी वन टू सिक्स एट और अपॉन में बात करें स्पीड की तो स्पीड ऑफ प्लेन ऑलरेडी गिवन थी वन सिक्सटी आप इन्हें डिवाइड कर लें वन टू सिक्स एट को वन सिक्सटी से तो आपका आंसर जो आएगा सेवन पॉइंट नाइन के अप्रॉक्स आ जाएगा सेवन पॉइंट नाइन ये सेवन पॉइंट नाइन क्या है ये सेवन पॉइंट नाइन स्पीड नहीं है ये तो हमने टाइम टेकन निकाला है क्या निकाला है टाइम टेकन तो टाइम की यूनिट जो है मीटर पर सेकंड में सेकंड चल रही थी क्वेश्चन में आप जब जहां पर भी ढूंढेंगे तो आपको टाइम की यूनिट सेकंड नज़र आएगी इस वाले क्वेश्चन में स्पीड में देख लो आप स्पीड में मीटर पर सेकंड लिखा था तो सेकंड आ रहा है इसमें इसलिए ये जो टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ए टू डी है वो सेकेंड में आया है तो सेवन पॉइंट जो है वो राउंड ऑफ करने के बाद एट सेकेंड हो जाएगा तो करेक्ट आंसर आपका पार्ट नंबर थर्ड का हो गया एट सेकेंड अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे पार्ट नंबर फोर पे फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है फोर्थ पार्ट देखते हैं यहां पर आपकी वीडियो जो है काफी लेंदी हो गई है क्यों हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पर जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन थे जो आपको अटैम्प्ट नहीं करने थे वो भी हमने सॉल्व करके देखे हैं आपको एग्जाम में सेक्शन बी में जो है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं आपको सिर्फ तीन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ फाइव लेकिन मैंने आपको पाँचों के पाँचों समझाए हैं इसलिए यहाँ पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम हुआ है तो आप अपना टाइम एग्जाम में प्रॉपर मैनेज करके चलेंगे ताकि आपका विद इन वन एंड हाफ आवर आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो लास्ट पार्ट देख लेते हैं लास्ट पार्ट क्या है फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में इन्होंने बोला है गिवन दैट मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 30 यहाँ पर एक टेबल दी हुई है और इसका टेबल का मीन 30 है तो हम सबसे पहले मीन के लिए क्लास इंटरवेल दिया है क्या है क्लास इंटरवेल वो लिख लेते हैं 0 टू 10 10 टू 20 20 टू 30 30 टू 40 फोर्टी टू 50 टू सिक्सटी ये आपको क्लास इंटरवल दिया था अब हम x फाइंड करेंगे x क्या होता है क्लास मार्क भी बोलते हैं इसे या मिड वैल्यू भी बोलते हैं हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी करा था एक क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू भी कहते हैं इसे तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं दोनों को प्लस कर दो और डिवाइड बाय टू तो जीरो प्लस टेन 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 अपॉन टू करेंगे फाइव टेन प्लस ट्वेंटी करेंगे थर्टी थर्टी अपॉन टू करेंगे तो फिफ्टीन अब यहाँ पर इनका डिफरेंस देख लो पाँच में दस जोड़कर पंद्रह बन जाता है तो पंद्रह में दस जोड़ेंगे तो पच्चीस फिर दस जोड़ेंगे तो थर्टी फाइव फिर दोबारा टेन ऐड करो फोटी फाइव फिर दोबारा टेन ऐड करो फिफ्टी फाइव अब आपको एक्स के बाद नंबर ऑफ ये f दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी तो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे f की वैल्यू f क्या है फोर सिक्स टेन f सिक्स फोर इसके बाद आप निकालोगे एफ एक्स एफ एक्स के लिए हम क्या करते हैं f और x की मल्टीप्लाई तो फाइव फोर जा हो जाएगा ट्वेंटी फ़िफ्टीन सिक्स जा करेंगे तो फिफ्टीन सिक्स जा हो जाएगा नाइन्टी ट्वेंटी फाइव टेन हो जाएगा आपका टू फिफ्टी थर्टी फाइव की मल्टीप्लाई f से करेंगे तो ये हो जाएगा थर्टी फाइव एफ़ फोर्टी फाइव की सिक्स से करेंगे तो फोर्टी फाइव सिक्स जहाँ हो जाएगा टू सेवेंटी और लास्ट में फिफ्टी फाइव की फ़ोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू ट्वेंटी अब आप एफ एक्स वाली वैल्यू का भी टोटल करो और एफ वाली वैल्यू का भी तो इन दोनों वैल्यू का टोटल कर लेंगे लेकिन ये वैल्यू एफ वाली इसमें ऐड नहीं होगी इसे हम अलग ही लिखेंगे प्लस का थर्टी फाइव एफ लेकिन बाकी चीज़ों को ऐड कर लेंगे इन सबको तो इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा एट हंड्रेड फिफ्टी तो आंसर हो गया 850 फिफ्टी प्लस थर्टी इसी तरह यहाँ पर भी f वाली वैल्यू अलग ही लिखी जाएगी बाकी सबको हम ऐड कर लेंगे तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 30 प्लस एफ अब आपको मीन क्वेश्चन में गिवन था मीन क्या है मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 30 मीन के नीचे मीन का फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ इक्वल टू थर्टी सम ऑफ एफ एक्स ये निकाला था 850 फिफ्टी प्लस थर्टी एफ अपॉन सम ऑफ एफ क्या है 30 प्लस एफ इक्वल टू 30 ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 850 फिफ्टी प्लस थर्टी फाइव एफ इक्वल थर्टी की मल्टीप्लाई 30 प्लस एफ से होगी तो ये बन जाएगा 900 हंड्रेड प्लस थर्टी एफ लेफ़्ट हैंड सेम रहेगी 850 फिफ्टी प्लस थर्टी अब 35f को यहीं रहने दो 30f इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 30f एफ इक्वल नाइन प्लस का 850 उधर आके माइनस का हो जाएगा 850 और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 50 बचेगा 35f में से 30f को माइनस करेंगे तो 5f बचेगा 5 जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा तो फाइनली f की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फोर्थ पार्ट का तो ये क्वेश्चन पेपर यहीं ओवर होता है आई होप आज का क्वेश्चन पेपर पढ़ाया हुआ आपको समझ आ गया होगा इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें